गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद द्वारा 28 फरवरी से 6 मार्च 2011 के दौरान एक नई तालीम व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था। नई तालीम की विचारधारा का आज के सामाजिक आर्थिक हालात और वर्तमान शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में आकलन करना और इससे शैक्षिक बदलाव की संभावनाओं को तलाशना इस व्याख्यान माला का उद्देश्य था। 7 व्याख्यानों की इस व्याख्यान माला के वक्ता थे विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अनिल सदगोपाल। डॉक्टर सदगोपाल ने अपने बहुआयामी सामाजिक व बौद्धिक कामों से 4 दशकों की लंबी पारी को कदम दर कदम जमीनी अनुभवों से सींचा है। इसके चलते डॉक्टर सदगोपाल की कम शब्दों में पहचान देना एक चुनौती भरा काम है। वे मूल रूप से वैज्ञानिक है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमरीका से बायोकेमिस्ट्री एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में PhD करने के बाद उन्होंने भारत सरकार की मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में शोध व अध्यापन किया। वहां से 31 साल की उम्र में त्यागपत्र देकर डॉक्टर सदगोपाल ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक आदिवासी गांव में किशोर भारती संस्था की स्थापना की। अगले 20 साल उन्होंने वहीं से ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा, जन शिक्षण, लोकतांत्रिक अधिकार और गांधी जी से प्रेरित नई तालीम के कई प्रयोग और कार्यक्रम किए। किशोर भारती संस्था के जरिए डॉक्टर सदगोपाल ने होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम यानी होवी शिका का नेतृत्व किया, जिसमें पूरे होशंगाबाद जिले के लगभग 300 सरकारी मिडिल स्कूलों में विज्ञान को खुद प्रयोग करके सीखने की पाठ्यचर्या स्थापित की गई। होवी शिका की खासियत रही कि सरकारी तंत्र में इस अनूठे शिक्षा शास्त्र के नजरिए से अनेक परिवर्तन किए गए। नई पाठ्य सामग्री व प्रयोग किट का निर्माण हुआ, अध्यापक शिक्षण का नया खाका विकसित हुआ, नए प्रशासनिक प्रावधान बने और यहां तक कि मूल्यांकन व बोर्ड परीक्षा के तौर तरीके भी बदल गए। 10 साल के अनुभव के बाद एकलव्य संस्था बनाई गई, जिसके जरिए होवी शिका मध्य प्रदेश के 13 अन्य जिलों और 1000 सरकारी स्कूलों तक फैल गया। 30 साल तक चले होवी शिका ने सरकारी तंत्र में निहित बेहतर शिक्षा की तमाम संभावनाओं को उजागर करके देश भर में समान स्कूल प्रणाली के पक्ष में जोरदार पैरवी की। डॉक्टर सदगोपाल 25 सालों तक भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गठित शिक्षा के विभिन्न आयोगों और समितियों में सक्रिय भागीदार रहे, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कैब और उसकी 3 समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति, स्कूली पाठ्यचर्या में काम और शिक्षा के रिश्ते पर NCERT द्वारा गठित नेशनल फोकस समूह की रिपोर्ट, बिहार राज्य सरकार का समान स्कूल प्रणाली आयोग। इन आयोगों और समितियों में उनके द्वारा नीतिगत बदलाव और बेहतर विकल्प के लिए लड़ी गई लड़ाई जनवादी संघर्ष की प्रेरणादायक मिसाल है। सरकारी तंत्र के साथ 3 दशकों से अधिक समय के इतने सघन अनुभव के बाद डॉक्टर सदगोपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सरकारी नीति निर्धारण में भागीदारी से कोई भी बुनियादी बदलाव संभव नहीं है। केवल सरकार द्वारा पहले से ही तयशुदा खाके में मामूली रद्दो बदल ही करवाया जा सकता है। व्यवस्था मूलक बदलाव के लिए जन चेतना का दबाव जरूरी है। इसलिए पिछले 5 सालों से मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव के लिए अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के जरिए एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के काम में वे जुटे हुए हैं। सरकारी तंत्र के इस रचनात्मक प्रतिरोध की वजह से ही डॉक्टर सदगोपाल की पहचान एक विद्रोही शिक्षाविद की बनी है। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ चले भोपाल गैस पीड़ितों के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास और मुआवजे की लड़ाई के दौरान जेल भी गए। बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़कर बड़े बांधों के संदर्भ में विश्व बैंक के जन विरोधी रवैये के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें दूसरी बार जेल जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में
शहीद शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन से भी उनका नजदीकी जुड़ाव रहा। डॉक्टर सदगोपाल ने इस आंदोलन पर संघर्ष और निर्माण पुस्तक का संपादन किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर तथा शिक्षा संकाय के डीन भी रहे। भारत सरकार के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सीनियर फेलो के रूप में शिक्षा नीति पर हो रहे नव उदारवादी हमलों पर उन्होंने प्रखर शोध व लेखन किया। शिक्षा में बदलाव का सवाल नामक पुस्तक और अनेक पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में अंग्रेजी व हिंदी में लेखन और जनसभाओं, धरनों व रैलियों में व्याख्यानों के जरिए डॉक्टर अनिल सदगोपाल आज भी वैचारिक संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। 7 दिनों तक चली इस व्याख्यान माला में ब्रिटिश राज के लिए मैकॉले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति का महात्मा ज्योतिराव फुले, गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। साथ में एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायशील एवं प्रबुद्ध समाज को गढ़ने के लिए वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था की दृष्टि भी पेश की गई है। इन व्याख्यानों से राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैश्विक पूंजी के नव उदारवादी एजेंडे के संदर्भ में शिक्षा की एक पैनी समीक्षा उभरी है और शैक्षिक बदलाव के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान करते हुए शहीद शंकर गुहा नियोगी के संघर्ष और निर्माण के दर्शन का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। विद्यापीठ के कुलपति श्री नारायण देसाई, कुलनायक श्री सुदर्शन आयंगार, शिक्षण महाविद्यालय के आचार्य डॉ. जेपी पंड्या, गांधीवादी शिक्षाविद श्री ज्योतिभाई देसाई एवं विद्यापीठ के विद्यार्थी व अध्यापक और अन्य नागरिक इस व्याख्यानमाला के सहभागी बने। हर एक व्याख्यान के अंत में लोगों द्वारा उठाए गए सवालों को संपादित करके डॉ. सदगोपाल द्वारा दिए गए जवाब भी प्रस्तुत है। विद्यापीठ के कुलपति श्री नारायण देसाई ने भी उद्घाटन सत्र में अपने विचार इस तरह पेश किए। तो हम जो शिक्षा के संबंध में ज्ञान सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं, वो हम लोग सब अपनी अपनी नई तालीम ढूंढेंगे क्या, या वही जो घानी में घूमते हैं घूमेंगे? मेरे पास उसके मुतल्लिक 2 सवाल हैं जो आपके पास रखना चाहता हूं। वास्तव में एक ही सवाल के 2 पहलू हैं। मुझे ऐसा लगता है, और आप बुरा मत मानिएगा, आज की चालू शिक्षा जो है वो अत्यंत उत्तम शिक्षा है। क्यों? क्योंकि वो 2 बहुत बड़े काम कर रही है। एक, मौजूदा जो व्यवस्था है, यथास्थिति, स्टेटस को, उस स्टेटस को टिकाने का काम शिक्षा ने अपनी जिम्मेवारी मानी है, और वो उसको टिकाने का काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है। और उस स्टेटस को टिकाने वाले छात्रों को तैयार कर रही है, वो उसका दूसरा काम है। प्रश्न हो तो इतना ही है कि हमें उस स्टेटस को टिकाना है क्या, जिस स्टेटस को ने विषमता पैदा की है, हिंसा पैदा की है, क्रूरता पैदा की है, और छात्रों में स्पर्धा की भावना पैदा की है, होड़ की भावना हुई है, भय की भावना है, और हम अगर उस व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं तो उत्तम तालीम वही है, दूसरी तालीम क्यों ढूंढे? और अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो कहां कहां किस किस प्रकार को बदलना होगा, जिससे न सिर्फ समाज व्यवस्था बदले लेकिन उस समाज व्यवस्था का नागरिक भी बदले, या न सिर्फ नागरिक बदले
लेकिन उस नागरिक को आगे जीने के लिए जीने लायक समाज भी बने, इन दोनों प्रश्नों का विचार जो करेगा, मेरी दृष्टि से नई तालीम वो होगी। मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि अनिल भाई के साथ आप उपनिषद जो कर रहे हैं 7 दिन, उसमें इस विषय की भी चर्चा होगी। इतना ही कर आदरणीय कुलपति नारायण भाई, कुलनायक सुदर्शन भाई, बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पांड्या जी, विद्यापीठ के विद्यार्थियों, अध्यापक जनों और अहमदाबाद के चिंतनशील विचारक और सचेत नागरिकों, और सबसे ज़्यादा नई तालीम में मेरे गुरु ज्योति भाई देसाई, जो वेठी से यहाँ नारायण भाई के साथ आज ही आए हैं इस व्याख्यान माला में हिस्सा लेने। अभी कुलपति नारायण भाई ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत विचारशील और प्रखर बात कह दी, और वो बात कह के इन 7 व्याख्यानों के लिए एक स्पष्ट खाका बना दिया। इन दोनों बिंदुओं को सामने रखकर, दोनों सवालों को, कि आज की शिक्षा यथास्थिति को बरकरार रखने वाली है, और दूसरा बिंदु जो इसको बदलने के लिए काम कर रहे हैं वे नई तालीम का काम कर रहे हैं। और इन 7 व्याख्यानों में मेरी ये एक छोटी सी कोशिश होगी कि उन्होंने जो 2 चुनौतियां हमारे सामने रखी हैं उस पर हम लोग अपनी कुछ समझ बनाएं और आगे काम करने का नया रास्ता खोजें। इस विद्यापीठ में मैं 3री बार आया हूं। पहली बार 1970 में आया, 40 साल पहले, जब ज्योति भाई देसाई के सुझाव पर मैंने नई तालीम संस्थाओं का अध्ययन शुरू किया खुद की समझ बनाने के लिए। उस समय मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, भारत सरकार के संस्थान में वैज्ञानिक था। उसी समय ज्योति भाई से जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पहले समझो तो सही क्या हो रहा है देश में। तो उस सिलसिले में शनोशरा में लोक भारती भी गया, गुजरात विद्यापीठ आया, और जहाँ पे ज्योति भाई थे वेठछी में भी गया। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र के कई संस्थानों में गया, मेरी अध्ययन यात्रा थी। तब से मैं लगातार नई तालीम का विद्यार्थी बना रहा हूँ और आज तक हूँ। जिस होशंगाबाद जिले का आपने नाम सुना, कुलनायक सुदर्शन भाई के द्वारा दिए गए मेरे परिचय में, उस जिले में 22 साल तो काम किया, लेकिन 6 साल शुद्धतः नई तालीम के प्रयोग में लगाए। जो भी मैंने कहानी सुनी नारायण भाई की, बापू के साथ शाम को घूमते हुए टहलते हुए, जब उन्होंने उनको बताया गया कि वो जो सामने स्कूल है वो नई तालीम का स्कूल नहीं है, जो गांधी जी के मार्गदर्शन में आरणायकम जी शुरू किया था आशा देवी के साथ, वैसी कहानी मेरी भी है। जब मैं वेठछी में था 1970 में, तो वेठछी के तमाम जो संस्थान थे शिक्षा के भी, और साथ में जंगल में रहने वाले आदिवासियों की जो सहकारी समितियां बनाई गई थी, उसके प्रणेता जुगत राम दवे जी के पास मैं आशीर्वाद लेने गया। उन्होंने पूछा अभी तक जो देखा है उसके बारे में क्या कहना है, मेरी उम्र 30 साल की थी, उन्होंने पूछा क्या कहना है। तो मेरी जो आलोचना थी
जो कुछ देखा था नई तालीम की संस्थाओं में, वो आलोचनाएं मैंने कुछ वाक्यों में उनके सामने रख दी, जो मेरे अंदर बेचैनी थी, तड़पन थी, गांधी के बारे में जो पढ़ा था, वो जो नहीं देखा जमीन पर, उससे जो अंदर बौखलाहट भी थी, आक्रोश भी था, बेचैनी भी थी और जिज्ञासा भी थी, वो सब रख दी जुगतराम भाई के सामने। और फिर मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि गांधी जी ने जो कहा था वो करके देखूं। तो उन्होंने मुझे कहा, तो कहां करना चाहते हो? तो मैंने कहा, अगर आप इजाजत दें तो वेटची में करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, मेरी बात मानो, तो अगर कुछ नया काम करना है, वास्तव में गांधी के विचारों को जमीन पर उतारना है, तो वेटची तुम्हारे लिए ठीक जगह नहीं है, कहीं और चले जाओ, यहां मत करना, यहां नहीं कर पाओगे। बाद में जब चलते चलते मैंने ये वाली बात ज्योति भाई को बताई, तो उन्होंने दोहरा दिया, बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं और चले जाओ, जाओ कहीं और। तो जाके 6 साल तक होशंगाबाद जिले के गांव में हम कुछ साथियों ने मिलकर नई तालीम को अपनी आलोचना की, अपनी समीक्षा के हिसाब से जमीन पर उतारने की कोशिश की। गांव के गरीब किसानों और खेती और मजदूरों के बच्चों के साथ, और 6 साल बाद उसको बंद किया, एक फैसला लेकर, जिसके जयति भाई बहुत सवाल उठाते रहे और हमको उकसाते रहे कि बंद मत करो, चालू रखो। इसकी कहानी चौथे भाषण में आएगी, तो चौथे भाषण पर मैं पहुंचूंगा। सन 2004 में जब एनसीईआरटी एक नई तैयारी कर रही थी देश की पाठ्यचर्या का, जब मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब अंग्रेजी में बोलूं तो करिकुलम है, सिलेबस नहीं है, और जब सिलेबस के लिए कुछ बोलूंगा हिंदी में तो वो है पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम की बात कर रहा हूं, और जब सिलेबस की बात करूंगा तो पाठ्यक्रम बोलूंगा, गुजराती में जो पर्याय होंगे वो आप सोचिए, जरूर होंगे। तो जब एनसीईआरटी पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा बनाने की तैयारी कर रही थी सन 2004 में, तो उनके निदेशक महोदय ने मुझे फोन किया भोपाल में और पूछा कि हमारा क्या सहयोग करोगे, मैं क्या सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस रूपरेखा की तैयारी के लिए 21 तो मैंने फिर बताया, 20 समूह बना रहे हैं, जो अलग अलग विषयों पे, शिक्षा का मकसद क्या हो, शिक्षा में भाषा का सवाल कैसे हल हो, शिक्षा में गैर बराबरी कैसे हल हो, आदि आदि 20 विषयों का उन्होंने जिक्र किया। और उसमें जब कहा वैज्ञानिक शिक्षा कैसी हो, तो मुझे जो तजुर्बा था होशंगाबाद जिले का, उसको देख के कहा कि इस समूह की आप अध्यक्षता कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, वो तो विषय पुराना हो गया मेरे लिए, काम हम कर चुके और जो काम जमीन पे उतार के दिखा दिया उसके बारे में अब लिखने की जरूरत नहीं, लिखा जा चुका है, आप उसका फायदा उठा लीजिए। तो उनका इसका मतलब आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? मैं कहा नहीं, मैं करना चाहता हूं उस विषय पर जो आप स्वीकारेंगे नहीं। तो हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं उत्पादक काम और शिक्षा का अंतर संबंध होना चाहिए, उसका क्या रिश्ता होना चाहिए, इस पर अगर आप एक समूह गठित करें तो उसकी अध्यक्षता करने को तैयार हूं। उन्होंने तुरंत स्वीकार लिया, 21वां समूह बना, उनका नाम दिया गया, वो पूरी जो श्रृंखला थी समूहों की, नेशनल फोकस ग्रुप ऑन अलग अलग सब्जेक्ट, नेशनल फोकस ग्रुप ऑन वर्क एंड एजुकेशन जो समूह बना, उसकी मैंने अध्यक्षता करी। उसमें देश भर के अलग अलग प्रदेशों के कोई 20-21 लोग शामिल हुए समूह में। हम लोगों ने अगले 6-7 महीने बड़ी मेहनत करके गांधी के अपने विचारों की, तत्कालीन अर्थशास्त्र के संदर्भ में, तत्कालीन राजनीति के संदर्भ में एक नई समीक्षा लिखी, और वो क्यों नहीं देश की व्यवस्था का एक मॉडल बन पाया उसकी भी समीक्षा करी। आज़ादी के बाद गुजरात में और देश के अन्य प्रदेशों में क्या तजुर्बे रहे, उसका भी एक हमने एक व्याख्या तैयार करी, वो लिखा उसको, और फिर कहा आज के नए हिंदुस्तान में जो नए हालात बने हैं, जिसका भी जिक्र भी हुआ, जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था आई है, जिसको आप वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से जानते होंगे या जागतिकरण बोलते होंगे, महाराष्ट्र में जागतिकरण बोला जाता है, गुजरात का नाम कल तक सीख जाऊंगा, अभी नहीं मालूम मुझे, कल तक सीख जाऊंगा बच्चों से। तो जो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था भारत के तमाम संसाधनों पर हमला कर रही है,
उसके संदर्भ में शिक्षा पर भी जो हमला हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आज नई तालीम क्या, नया रूप क्या होना चाहिए जो नई चुनौतियों का सामना करे और हमारे विद्यार्थियों को इस नई दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करे, उसका भी रूप हमने नई तालीम के बुनियादी सिद्धांतों पर खड़ा किया और पेश किया। वह दीगर बात है कि जो सन 2005 में एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा प्रस्तावित की गई देश के सामने, उसमें हमारे समूह की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया पूरी तौर पर, वो एक अलग विषय है, उस पर अभी नहीं जाएंगे, शायद मौका मिलेगा कभी। और जो उसमें काम और शिक्षा का जिक्र हुआ भी, वो हमारे हिसाब से नई तालीम के परिदृश्य से कोई नकार कर हुआ, उसके हिसाब से कतई नहीं हुआ और उसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने स्वीकार लिया। स्वीकारा तो हमारी रिपोर्ट को भी, पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बनी देश भर के लिए उसमें उसको नजरअंदाज किया गया। ये सब अलग कहानी है, शायद इसका जिक्र बाद में आता रहेगा अगले 6 व्याख्यानों में। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में मैंने निर्णय किया कि मैं एक बारी फिर नई तालीम का ताजे नजरिए से अध्ययन करूंगा उस रिपोर्ट को लिखने के 5 साल बाद, और मैंने पूरा महीना लगाकर भोपाल में जितना कुछ मुझे उपलब्ध था उस समय, जो कुछ बटोर सका, उस सब का दोबारा नए सिरे से अध्ययन किया। बहुत कुछ लिखा जा चुका था उसके पहले के 5 सालों में, नया लिखा जा चुका था। गांधी एक अद्भुत विषय रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी ने उसका अंदाज लगाया है कि कितने लाख शब्द उन पर लिखे जा चुके हैं और कितनी पोथे लिखे जा चुके हैं, कितने शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, कितने व्याख्याएं हो चुकी हैं उनकी अलग अलग प्रकार की, उसका भी किसी ने हिसाब लगाया। आज मेरे पास उपलब्ध नहीं तो वो आंकड़े दे देता। उसमें एक और शायद मैं जोड़ू, ऐसा सोच के मैंने शुरू किया। और जो हम देश भर में शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो शिक्षा अधिकार नहीं देता है, वो छीनता है, इसकी बात आएगी, बाद में आएगी, हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम वास्तव में जो देश के संविधान में शिक्षा के अधिकार का परिदृश्य है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके संदर्भ में भी नई तालीम को किस तरीके से देखा जाए, इसके लिए मैंने एक ताजा अध्ययन किया। मेरे साथ एक अजीब अनुभव हुआ उस 30 दिन के काम में, उसको मैंने दर्ज किया है एक कोई 25,000 शब्दों के आलेख में, अभी छापा नहीं है क्योंकि मैं खुद, मेरे अंदर सवाल है और शक है कि वो सही किया नहीं किया। अनुभव यह है कि केवल 5 साल पहले 2005 में जो एनसीईआरटी के लिए रिपोर्ट तैयार करी, उसमें जो बातें हमने कही उस पर हमने खुद ही सवाल उठाने शुरू कर दिए और लगा कि नहीं, वो या तो आधी अधूरी थी, अपूर्ण थी, या उस पर एक नए सिरे से नई व्याख्या की जरूरत है। उस रिपोर्ट में बहुत कुछ ठीक भी था, उसके ऊपर मेरे सवाल भी अपने खड़े हुए। उसको हमने दर्ज किया। लिखते लिखते मुझे लगा इसको कहीं सुनाया जाए लोगों के सामने, लोग फिर सवाल उठाएंगे, बहस करेंगे, तो जो मेरे अंदर अपने अंदर सवाल उठ रहे हैं, जो शक शुभा पैदा हो रहे हैं, वो बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए दूर होंगे। तो मैंने फोन उठाया और आपके कुल नायक सुदर्शन भाई को पूछा कि क्या आप ऐसा कुछ करने को तैयार हैं, तो करने लगे। मैं तो बहुत समय से आपको आग्रह कर रहा हूं कि आप समय निकालिए विद्यापीठ के लिए, वो समय अब निकला है। मैं एक प्रकार से जो चंद एक महीने पहले मैंने लिखा और सोचा, उसका पहला प्रस्तुतिकरण मैं विद्यापीठ में कर रहा हूं, पहला प्रस्तुतिकरण, इस उम्मीद के साथ कि आप उसे केवल सुनेंगे नहीं, इस उम्मीद के साथ आप उसे केवल ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण तो करना ही कीजिए तो बेहतर होगा, इस उम्मीद के साथ कि वो आपके अंदर कुछ नए सवाल उठाएगा। और अगर आप आज बिल्कुल संतुष्ट हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है देश में, दुनिया में, अहमदाबाद में, गुजरात में और विद्यापीठ में जो कुछ हो रहा है उसे संतुष्ट हैं, तो अगर मैं आपको थोड़ा बेचैन कर पाया, परेशान कर पाया, तो मैं सही रास्ते पर हूंगा। इस उम्मीद के साथ कि हर व्याख्यान के बाद आप सवाल उठाएंगे, और विद्यार्थियों के साथ एक स्पेशल रिश्ता है क्योंकि मैं खुद मास्टरी हूं, बुनियादी तौर पर मास्टरी करता रहा हूं, तो उनके साथ विशेष रिश्ता है। तो हर व्याख्यान के बाद अगले दिन सवेरे उनके साथ 1 घंटे का समय और लगाएंगे, ताकि अगर इस माहौल में
सवाल पूछने से कतरा रहे हैं तो वहां जरूर सवाल पूछे, सवाल पूछिए, असहमति हो तो असहमति जाहिर कीजिए, मेरी बात अच्छी ना लगे तो कहिए आपकी बात नहीं अच्छी लगी, और अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा प्रकट कीजिए, चिल्लाने की जरूरत महसूस हो रही है तो चिल्लाइए, बोलिए जरूर, चुपचाप मत रहिए। इस उम्मीद के साथ यहां पर हूं, तब तो ये मात्र संवाद नहीं रहेगा, ये संवाद से बदलकर विमर्श की ओर जाने लगेगा। संवाद और विमर्श का जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि संवाद दिशाहीन होता है और विमर्श में दिशा होती है, वो तो दिशा तभी निकलेगी जब आप उठ बैठेंगे और बोलने लगेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं बीच में और आया था, 20 साल पहले उसी अतिथि भवन में रुका था जहां आज रुका हूं, और वहां पर उस समय आचार्य राममूर्ति समिति नाम की एक भारत सरकार की कमेटी बनी थी शिक्षा पर, जिसको ये काम दिया गया था कि 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनी थी उसका उसकी समीक्षा तैयार की जाए। तो उसकी एक बड़ी बैठक यहाँ हुई, कई दिन हम लोग रहे, एक तरह का छोटा सा हमारा कार्यालय भी बना एक कमरे में, वहाँ पे बैठकर मुझे याद है उस समय कंप्यूटर नहीं थे हमारे पास, तो हाल कंप्यूटर आ चुके थे हिंदुस्तान में, हमारे पास नहीं थे, तो एक मैनुअल टाइपराइटर लेके मैं आया था अपना व्यक्तिगत, उसमें बैठ के उस रिपोर्ट के कोई 100 सफ़े मैंने यहाँ टाइप करे, तो यहीं पर टाइप हुए आपके अतिथि गृह में। ये कुछ व्यक्तिगत इतिहास आपके सामने रखने की मुझे जरूरत महसूस हो। विद्यापीठ के प्रांगण में नई तालीम के परिवर्तनकारी नजरिए का नए सिरे से आकलन करने की जो शुरुआत मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिलकर, वो बहुत सटीक जगह पर हो रहा है। वो क्यों सटीक जगह पर हो रहा है उसमें मैं आपके ही शिक्षक विक्रम भाई से निवेदन करूंगा कि वो पहली स्लाइड यहाँ दिखा दें। मुझे मालूम नहीं कितने बड़े अक्षर हैं, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, पर कुल मिलाकर जिससे मैं प्रेरित हुआ हूँ नई तालीम की बात शुरू करने के लिए आप लोगों के साथ हूँ, उसमें लिखी है आपके ही विद्यापीठ में जो कुछ हुआ उसको 8 साल तक 1920 से 1928 तक जो गांधी जी ने देखा उसके ऊपर उन्होंने जो बात कही वो पूरे देश को बताने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि विद्यापीठ की ये खासियत है कि यहाँ का एक विद्यार्थी वल्लभ भाई पटेल की के नेतृत्व में किसानों का जो आंदोलन बारडोली में चल रहा है उसमें हिस्सेदारी करने गया और जेल चला गया। उन्होंने कहा कि इस पर हमें गर्व है कि विद्यापीठ का विद्यार्थी वहां जेल गया है, और फिर उन्होंने अपने सारे हिंद स्वराज के भी दस्तावेज में भी उसके बाद अपने और बहुत सारे व्याख्यानों में और लेखन में बार बार सरकारी स्कूल की आलोचना करी है। वो सरकारी स्कूल आज का सरकारी स्कूल नहीं है, वो आजादी के पहले का सरकारी स्कूल है जिसमें ब्रिटिश राज ने जो सरकारी स्कूल सरकारी विद्यालय सरकारी कॉलेज सरकारी यूनिवर्सिटी खोली थी उसकी वो लगातार आलोचना करते हैं बार बार अलग अलग नजरिए से। और उन्होंने कहा कि अगर सरकारी स्कूल होता उसके किसी विद्यार्थी को वहां जाने की छूट नहीं मिलती, अगर वो चला जाता तो उसको शायद निकाल दिया जाता स्कूल से, उसमें हिम्मत भी नहीं होती, शायद थोड़ी मूक मौन सहानुभूति जरूर होती उस किसान आंदोलन से जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चल रहा था। और फिर वो कहते हैं वो शिक्षा किस काम की जो राष्ट्र की जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर हमको उसमें हिस्सेदारी करने का मौका न दे, उसको बदलने के लिए हमको कुंठित करे, हमको भयभीत करे, अपने कर्तव्य से दूर रखे, ऐसी किताबी शिक्षा में क्या कोई ऊर्जा बची है जो हमें लड़ने की हिम्मत नहीं पैदा करते। विद्यापीठ के विद्यार्थी जो आज नई तालीम का कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, मेरे ख्याल से बस अगर इसकी व्याख्या वो कर लें, इतना समझ लें, और इसको लेके आज पूरे हिंदुस्तान में जो स्कूल के साथ हो रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है कि लोगों को तैयार किया जा रहा है, जैसा अभी आप नारायण भाई से सुन चुके हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आज की नवोदारवादी आर्थिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की मुनाफाखोरी को और बढ़ाने के लिए उनके द्वारा देश भर के जल जंगल और जमीन को लूटने और हथियाने
उस पर काबिज होने की जो प्रक्रियाएं पूरे मुल्क में चालू है, उसमें और हिस्सेदारी करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां करके उनकी मुनाफाखोरी बढ़ाने, उनकी क्षमता देश के ऊपर काबिज होने की और आगे बढ़ाने, इस प्रक्रिया में आपकी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसके खिलाफ आप उठ खड़े होंगे। अगर ये वाला उदाहरण 1928 का विद्यापीठ के बारे में जो गांधी जी ने रखा उसको याद करेंगे। अगर नई तालीम आपने पाई है तो इसके लिए पाई है, न कि इसलिए कि जो आज हो रहा है उसको बरकरार रखें, उसको और मजबूत करें। अब इसको बंद कर दीजिए स्लाइड। आज के व्याख्यान में आपने, आपको पता है कि मैंने मैकॉलेवाद से बात शुरू करी, ये बड़ी विडंबना है, अजीब बात है कि गांधी जिन्होंने जिंदगी भर मैकॉलेवाद के खिलाफ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ झंडा उठाया, देश भर को लामबंद किया उस लड़ाई के लिए, उनके नई तालीम के नजरिए को पेश करने के लिए मैं मैकॉलेवाद से शुरू करूं। ये इसलिए अजीब तो लगता है पर इसलिए जरूरी है क्योंकि गांधी ने जिस परिपृष्ठ भूमि में, जिस परिपेक्ष में, जिस पृष्ठभूमि में इन मुद्दों को उठाया, वो नहीं उठा पाते अगर देश में मैकॉले की नीति उस समय लागू नहीं होनी होती, मेरा पूरा विश्वास है। आप हिंद स्वराज को पढ़िए और जैसे ही शिक्षा की बात आती है वो मैकॉले का जिक्र करने लगते हैं और मैकॉले की शिक्षा ने कैसे हमको गुलाम बनाया इसका जिक्र करने लगते हैं। तो हम एक बार यह समझे कि मैकॉले बहुत होता है, ये है क्या, वो समझ लिया तो बहुत कुछ मामला सरल हो जाएगा। गांधी ने समझ लिया था अच्छी तरीके से, कुछ हद तक महात्मा फूले ने समझ लिया था, इसलिए मैंने महात्मा फूले को जोड़ा है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने शायद उस तरीके से नहीं समझा जैसे महात्मा फूले और गांधी जी ने समझा, लेकिन अलग नजरिए से वे भी वही बात कर रहे थे जो फूले और गांधी कर रहे थे, उनमें फर्क था। फर्क की बात हम कर सकते हैं, समय मिला जरूर करेंगे, पर उनमें जो, उनके बीच में जो एक सूत्र था शिक्षा में बदलाव लाने का, उसको भी हम समझ रहे हैं, उसकी बात हम ज्यादा करेंगे। वैसे ये हिम्मत फूले, गांधी को फूले और अंबेडकर के संदर्भ में देखने की जो मैं आज कर रहा हूँ, ये शायद बहुत कम बात की गई है और करते हुए मुझे डर भी लगता है। मैं जानता हूँ इस पर जो राजनीतिक विमर्श है इस विषय के ऊपर, गांधी को फूले और अंबेडकर के साथ जोड़ के देखना ठीक नहीं माना जाता बहुत सारे तबकों के द्वारा देश में, लेकिन मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि तीनों के बीच में कहाँ एकता थी और कहाँ पे फर्क था, उसकी बात भी कर सकता हूँ और करूँगा मौका मिला। तो मैकॉले ने क्या किया, सन 1835 में लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश राज के तहत जो भारत के प्रशासन को चलाने के लिए भारत की परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी उसके एक सदस्य थे और साथ में सार्वजनिक शिक्षा के नाम पे जो बड़ा विभाग गठित किया गया था, कलकत्ता में राजधानी थी उस समय ब्रिटिश राज की, जो सार्वजनिक शिक्षा का विभाग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष भी थे और उनके सामने एक मसला था, उसका भी जिक्र करना जरूरी नहीं है। वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आया था, उन्होंने 1,00,000 रुपए का अनुदान दिया था, उस समय का 1,00,000 रुपए आज के शायद हजारों करोड़ रुपए के बराबर है, 1,00,000 रुपया अनुदान दिया था शिक्षा के लिए, उसका कैसे इस्तेमाल करना है उसकी बहस शुरू हुई उस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत, और उसमें बहुत लोगों ने अपने अपने विचार दिए, अलग अलग विचार थे। तो उस सबको सुनकर मैकॉले साहब ने एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसको मैकॉले के मिनट्स के रूप में, मैकॉले के प्रतिवेदन के रूप में याद किया जाता है, वो उपलब्ध है। आप लोग कहेंगे तो उसको मैं फोटोकॉपी करके बाहर उपलब्ध करा दूंगा जहाँ पे और भी सामग्री इस प्रकार की मिल रही है। मैकॉले के मिनट्स को मैं शायद 20 बारी पढ़ चुका हूँ अलग अलग समय में और मुझे लगता है अगर मैं 21 बार भी पढ़ूंगा तो गलती नहीं करूंगा और हर बारी मुझे उसमें कुछ नया मिल जाता है। वो चाहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर थे, लेकिन मुझे कहने में आज कोई संकोच नहीं है कि उनके बराबर की दूरदृष्टि का व्यक्ति भारत की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम हुआ होगा। गांधी अपवाद है, फूले अपवाद है, अम्बेडकर अपवाद है, इन तीनों को छोड़ दें और शायद वे किस हद तक विवेकानंद भी हैं और श्री अरविंद भी हैं, टैगोर भी हैं, इन कुछ बड़े बड़े नामों को अगर छोड़ दें तो वैसी दूरदृष्टि बहुत कम की रही होगी, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है।
क्योंकि अपने दुश्मन की बुद्धिमत्ता को स्वीकार लेना बेहतर होता है बल्कि दुश्मन को बेवकूफ मानते रहना। तो दुश्मन को स्वीकार लेना कि उसने बहुत दूर का सोच लिया, और चूंकि दूर का सोचा जो उनके उस प्रतिवेदन में 1835 में मौजूद है, चूंकि उन्होंने दूर का सोचा इसलिए हिंदुस्तान की आजादी के 60 साल बाद भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक इंच इधर उधर नहीं हुए, अगर कहीं हुए तो और उसको पुष्ट किया, मजबूत किया, उसको और पुख्ता बनाया, जो मैकॉले ने खुद नहीं सोचा था उससे आगे बढ़ गए हम, उससे पीछे नहीं हटे, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने जो बहुत बातें कही उसमें कुछ बातें मैं आपके साथ चार बातें रखूंगा, इससे अधिक नहीं, अभी समय नहीं है इसके लिए, आप खुद पढ़े तो बेहतर होगा। और मैं तो चाहता हूं अगर वो बीएड एमएड के कोर्स में एक आवश्यक पठनीय विषय नहीं है तो उसको आवश्यक पठनीय विषय बना लीजिए और जरूर पढ़ाया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो बीएड का बाकी सब पाठ्यचर्या बड़ी सरल हो जाएगी अगर उसको समझ लेंगे मैकॉले को। उन्होंने एक बात तो ये रखी कि भारत में जो तमाम बोलियां बोली जाती हैं, भाषा नहीं बोला, इसमें मैं लौटूंगा, शायद कल लौटूंगा इस पर, जो बोलियां बोली जाती हैं जिसको अंग्रेजी में डायलेक्ट बोलते हैं, उन्होंने लैंग्वेज नहीं कहा, उन्होंने डायलेक्ट कहा, बोलियां बोली जाती हैं। और उस समय चूंकि वो बंगाल में थे तो कहा जो आसपास बोली जाती हैं, तो बंगाल की तमाम भाषाओं के बारे में बात कर रहे थे, उस समय का बंगाल 1835 का, जो बटा हुआ नहीं था, अविभाजित था। और उसमें वो इतनी कमजोर हैं कि उनमें कोई भी आधुनिक ज्ञान की बात न कही जा सकती है न लिखी जा सकती, और ना ही किसी और भाषा में, यूरोप की विकसित भाषाओं में कही हुई बात का उसमें अनुवाद हो सकता है, अनुदित भी नहीं हो सकती है वो बातें। और भारत के वे लोग जो उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक होगा कि वे इसको अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि यूरोप की भाषाओं में उच्च शिक्षा को पाए। और उन्होंने अन्यत्र लिखा उसी प्रतिवेदन में कि भारत दुनिया की जितनी विकसित भाषाएं हैं, जिसमें भारत की या एशिया की कोई भी नहीं है, ना अरब देशों की, ना अफ्रीका की, ना लैटिन अमेरिका की, जो यूरोप की विकसित भाषाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान अंग्रेजी का है, इसलिए अंग्रेजी में ही सीखें भारत के लोग तो बेहतर होगा। दूसरी बात उन्होंने कही, आप देखिए इसमें क्या एक बिल्कुल क्रम है, और बहुत सोचा समझा एक क्रम है, उनकी अपनी एक उनकी तर्क की श्रृंखला चल रही है, उसको पकड़ने की कोशिश की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर आप यूरोप के अच्छे ज्ञान के साहित्य का को इकट्ठा करें और उसको एक दराज में लगा दें, खड़ा करके किताबों को एक शेल्फ में लगा दें, तो वो अरब के मुल्कों और एशिया के मुल्कों और भारत और चीन जैसे मुल्कों के तमाम ज्ञान की किताबें जो हैं, और साहित्य की भी, कविता उपन्यास साहित्य की जितनी किताबें हैं, उन सबको आप अगर लगा दें, उसकी कई अलमारियां भर दें उससे, तो भी यूरोप के एक शेल्फ की पुस्तकों में जो है ज्ञान उससे भी कहीं पीछे रह जाएंगे, वो एक शेल्फ काफी है उसके लिए। तीसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि आपकी मातृभाषा के जरिए तो कोई नहीं यहां कुछ आगे बढ़ सकता, इसलिए अंग्रेजी सर्वोत्तम भाषा होगी। और साथ में कहा कि आज अभी से ही 1835 में सरकार के दफ्तरों में जो ऊंचे पदों पे लोग भारतीय आके बैठ गए हैं, जिनको ऊंचे पद मिल चुके हैं, वे तो अभी से ही अंग्रेजी को सब कुछ मान चुके हैं, इसलिए उसी को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। ये आज भी देखते जाए, जो आज हो रहा है वो 1835 में भी हो रहा था। और आखिरी बात जो कही कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं, उस समय 1835 में कह रहे हैं, जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनके मद्देनजर भारत के सब लोगों को शिक्षित करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये बात कल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कही जब बजट पेश किया, कल आज सवेरे जिसकी खबर मुझे अभी मिली है, जो खबर उन्होंने पेश किया उसमें जो शिक्षा का बजट पेश किया उसको अगर आप एक बारीक नजरों से देखेंगे तो वो सारे देश को कह रहे हैं हमारे पास देश में सब बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना,
प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलना, सेकेंडरी स्कूल खोलना, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलना मुमकिन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। जो बात 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने कही, ठीक वही बात आज आज़ाद हिंदुस्तान के 12वीं योजना के तुरंत पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। इसके पहले के सब प्रधानमंत्रियों ने यही बात कही, जितने बिना किसी पार्टी के अंतर को माने हुए सब प्रधानमंत्रियों ने यही बात कही, अगले वाले भी यही कहेंगे अगर हम लोग उठ खड़े नहीं हुए तो, और समझ नहीं गए उनकी बातों को। और फिर उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही लॉर्ड मैकॉले ने, उन्होंने कहा कि भारत के वे लोग जिनको हम शिक्षित करेंगे वे देश की, इस देश की जनता को हमारी बात समझाने के लिए व्याख्या करेंगे, हमारे इंटरप्रेटर बनेंगे, आज की ताजा राजनीतिक भाषा में हमारे दलाल बनेंगे। हम जो चाहते हैं उसको देश भर को उनकी बोलियों में समझाते जाएंगे, हम अंग्रेजी में समझाएंगे उनकी बोलियों में वे समझाएंगे। आज भी यही हो रहा है। और वे एक वो वर्ग हम खड़ा करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में जिसकी चमड़ी और खून का रंग तो वही होगा जो भारतीयों का होता है, लेकिन उनकी अभिरुचियां, उनके मत, उनके उनके नैतिक मूल्य और उनकी बुद्धि ब्रिटिश राज के अनुसार काम करेगी। अगर ब्रिटिश राज को आप बदल के आज की दुनिया क्या कॉरपोरेट राज लिख दें तो जो कॉरपोरेट राज दुनिया का चाहता है आज उसके हिसाब से पूरी भारत की शिक्षा चलाई जा रही है। और बार बार कहा जा रहा है हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं, वो अलहदा बात है। आज हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आमदनी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, GDP, वो 9% की दर से घोड़े की चाल से दौड़ रही है, तेजी से दौड़ रही है, छलांग लगा रही है, बड़े गर्व से हम दुनिया भर को सुनाते हैं। और केवल 8 साल बाद हम दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बार बार कहे जा रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, बाहर से पैसा लाया जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, वो सब होगा क्यों, हमारे पास पैसा नहीं है। लॉर्ड मैकॉले और हम आज एक ही बात कह रहे हैं। और इस कॉरपोरेट दुनिया का जो कब्जा है दुनिया भर के संसाधनों पर, उस कब्जे को और मजबूत करने के लिए हम दलाल तैयार करेंगे जो हमारी भाषा में सीखेंगे उनकी भाषा में, लेकिन आप लोगों की बोलियों में आपको समझाते जाएंगे। मीडिया ये काम करता है। ये है मैकॉले बात। ये बात उसके बाद बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने, समाज वैज्ञानिकों ने स्थापित करी है कि जो राजसत्ता होती है वो हमेशा अपने पक्ष में लोगों का मानस, चिंतन और ज्ञान तैयार करने के लिए शिक्षा देती है, अपने पक्ष में। वो राजसत्ता को बदलने के लिए या राजसत्ता के खिलाफ आवाज खड़ी करने के लिए, विद्रोह करने के लिए शिक्षा नहीं देती है। हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा से, उनके विद्यालयों से, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटियों से किस प्रकार से अपने पक्ष की बात निकाल लें वो हमारी जिम्मेदारी होगी, उनकी नहीं है। वो तो आपको गुलाम बनाने की ही शिक्षा देंगे। इस बात को गांधी जी ने 1909 में समझ लिया जब हिंद स्वराज लिखा, और उसको आप सब जानते हैं और आप सबको गर्व होना चाहिए, हिंद स्वराज सबसे पहले गुजराती में लिखा गया। उसके बाद उसका जब गुजराती में लिखा गया तो उस पर प्रतिबंध लग गया, ब्रिटिश सरकार उसके लिखने और छपने से घबरा गई, उस पर प्रतिबंध लग गया। तो दक्षिण अफ्रीका में बैठकर गांधी जी ने खुद स्वयं उसका अंग्रेजी अनुवाद किया, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। इतनी बौखलाई ब्रिटिश सरकार केवल एक कुछ छोटे से दस्तावेज से, जो अभी भी शायद आपको 10-12 रुपए में रेलवे स्टॉप में मिल जाया करेगा। उसमें उन्होंने कहा मैकॉले की शिक्षा हमको गुलाम बना रही है। आप पढ़ लीजिए, हिंद स्वराज में सब लिखा हुआ, गुजराती में पढ़िए, हमको गुलाम बना रही है। और उन्होंने मैकॉले की शिक्षा और भारत में जो औपनिवेशिक सत्ता मौजूद थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उसको एक सभ्यता के द्वंद के रूप में देखा। अंग्रेजी में सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, सभ्यता के द्वंद के रूप में देखा। इस पर मैं लौटूंगा। ये तो 1909 के बाद उनके विमर्श में बात बड़ी साफ सुथरी आ गई और आगे बढ़ती गई, लेकिन उसके पहले, सबसे पहले भारत में
मैकॉले की शिक्षा में कमे ज्ञान का जो चरित्र था, ज्ञान का चरित्र जो था, उसके खिलाफ आवाज महात्मा ज्योतिबा फुले ने खड़ी करी। ये बात अगर आप जानना चाहते हैं तो ये दूसरा प्रतिवेदन है जो मैं चाहूंगा, दूसरा दस्तावेज है जो उसको बीएड और एमएड के पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए। एक मैकॉले का बोला, अब दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले का, जो उन्होंने सन 1882 में ब्रिटिश राज के द्वारा स्थापित हंटर आयोग के सामने पेश किया। उसको भी मैं कई बार ही पढ़ चुका हूं, अभी भी लेके आया हूं अपने साथ, और कि डर के मारे शायद दोबारा पढ़ना पड़ जाए। हर बार ही उसमें से नई बातें निकलती हैं, पर उसकी कुछ बातें रखता हूं। उन्होंने तीन बातें रखना काफी होगा अभी के लिए, बहुत लंबा प्रतिवेदन है जिसको उन्होंने मराठी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी पेश किया। उसमें उन्होंने ये बात को लिखा कि बहुत बड़ी विडंबना है कि ब्रिटिश राज देश भर के मेहनतकश मजदूरों और किसानों के पसीने की गाड़ी कमाई से राजस्व इकट्ठा करता है, रेवेन्यू बटोरता है, लेकिन जब वो उसको खर्च करता है और शिक्षा के लिए जब खर्च करता है, उसका सारा फायदा उच्च वर्गों और उच्च वर्णों को मिलता है, अपर क्लासेस एंड अपर कास्ट उनको मिलता है। अगर महात्मा फुले आज जिंदा होते तो आज जो हो रहा है उसको फिर उन्हीं शब्दों में उसी विश्वास के साथ लिख देते कि कमाई तो देश के तमाम वे गरीब लोग कर रहे हैं जिनको माना जाता है 93% भारत के लोग जो असंगठित अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, और केवल 7% लोग जो संगठित क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, तो देश का सारा मध्यम वर्ग है उसमें, इनके फायदे के लिए सारी शिक्षा का इस्तेमाल होता है। और जो 93% लोग जो असंगठित क्षेत्र के हैं, या याद करें अभी पिछले 2-3 साल पुरानी अर्जुन सेन गुप्ता आयोग की रिपोर्ट जिसने कहा देश के 78% लोग वे हैं जो रोज महज 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं, तो 78% माने जो 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं, या 93% माने जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की योजना नहीं बनती है, वो बनती है एक उच्च मध्यम वर्ग के फायदे के लिए। उच्च मध्यम वर्ग को तैयार किया जाता है दलाल बनने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की मजबूत पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए, उनको और बड़ा बनाने के लिए, और देश की संसाधनों पे काबिज करने के लिए। इस पे हम लौटेंगे, जो मेरा 6वां व्याख्यान होगा इसी पे केंद्रित होगा। महात्मा फुले ने दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही वो उन्हीं के शब्दों में मैं रखूंगा, वो उनका मराठी तो मैं नहीं समझ पाया तो मैंने अंग्रेजी से समझने की कोशिश की है, और बहुत जबरदस्त रखा उन्होंने। उन्होंने इस बात को कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय मैं देख रहा हूं वो कतई ठीक नहीं है भारत के लिए, उनसे न तो कोई उपयोगी ज्ञान मिलता है और ना ही कोई व्यावहारिक ज्ञान मिलता है जिसको प्राप्त करके भारत के बच्चे आगे बढ़ सके अपनी जिंदगी में। आगे वो लिखते हैं, ये जो शिक्षा देने की पूरी मशीनरी खड़ी कर दी गई है, 1882 की बात है, 1835 से 1882 के बीच में एक बहुत बड़ी मशीनरी खड़ी हो गई थी, जो पूरी मशीनरी खड़ी कर दी गई है वो केवल नौकरी दे रही है और उसमें आमूल चूल तब्दीली की जरूरत है, मशीनरी में आमूल चूल की जरूरत है, पूरे उस पूरी रचना में जो रचना खड़ी कर दी गई है ब्रिटिश राज के द्वारा शिक्षा देने के लिए, उसी में आमूल चूल तब्दीली की जरूरत है। वो आगे बड़ी एक खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो ऐसे शिक्षक चाहिए जो अपने हाथों में हल पकड़ सकेंगे, या बड़ई या सुथार, क्या बोलते हैं आप उसको जो लकड़ी पे काम करते हैं, सुथार बोलते होंगे या बड़ई बोलते होंगे, जो बड़ई की आरी को अपने हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर सके, ऐसे हमको शिक्षक चाहिए, और उनमें यह भी क्षमता हो कि वे समाज के सबसे निचले तबकों के साथ दोस्ती कर सकें, इज्जत के साथ उनसे मिलजुल सकें। ये उन्होंने इसलिए कहा कि बड़े कष्ट के साथ लिखा, अभी जितने शिक्षक नौकरी पा रहे हैं शिक्षा विभाग में वे सब उच्च वर्गों उच्च वर्णों के हैं, न तो हल पकड़ सकते हैं, न आरी पकड़ सकते हैं, न समाज के निचले तबकों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। हम सोचे हम क्या बदल गए हैं,
हम कुछ फर्क है उस समय से। और फिर कहा बहुत जरूरी है एक ऐसी पाठ्यचर्या ब्रिटिश सरकार बनाए जो खेती से जुड़ी हुई हो, श्रम आधारित हो और कुछ उपयोगी कला भी सिखा दे, कलाओं को भी सिखा दे और नैतिक उत्थान करे हमारे बच्चों का। तीसरी बात उनका, मैं बात जरूर प्राथमिक विद्यालयों की कर रहा हूं पर मैं बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी मांग केवल अच्छे प्राथमिक विद्यालयों की नहीं, हमारी मांग अच्छी उच्च शिक्षा की भी है। फुले के नाम जपने वाले बहुत कम लोग इस बात को पकड़ पाए, एक पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत लोग पढ़ते नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिसकी उच्च शिक्षा पीछे रह जाए, और साथ में यह भी कहा प्राथमिक शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी जब उच्च शिक्षा आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में जिस ज्ञान की जरूरत है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, उसकी उत्पत्ति और उसकी तैयारी उच्च शिक्षा में ही होती है। तीन बातें महत्वपूर्ण 1882 में कही गई, 125 साल पहले। इस पृष्ठभूमि में हम गांधी के इस सवाल को देखें जो उन्होंने कहा कि मैकॉले की शिक्षा हमको गुलाम बना रही है। उन्होंने ये बात कही कि जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के विचार बुनियाद बने हुए हैं भारत की शिक्षा के, आधुनिक शिक्षा के, वे आयातित हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, उनका भारत के हालात से कुछ लेना देना नहीं है। वो आज तक वही चल रहा है। बीएड के विद्यार्थियों को, एमएड वालों को मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षक प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षण का जो मॉडल आपके साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप लेसन प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? लेसन प्लानिंग, हाँ सब सिर लेसन प्लानिंग करते हैं। ये 1890 में इसका जन्म हुआ था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, उन्होंने छोड़ दिया वो रास्ता, वो कुछ और रास्ते पे चल पड़े, पर हम उनके लेसन प्लान को आज तक हिंदुस्तान में जिंदा रखे हुए हैं अध्यापक शिक्षण में, हमने नहीं बदला। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी कि ऐसा लगता है कि भारत में जितनी शिक्षा ब्रिटिश सरकार दे रही है उसका एक ही मकसद है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए हुए विभिन्न सरकारी विभागों में और ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों में उनको नौकरियां मिलती जाए, उस नौकरी के लिए तैयार करना उसका मकसद है। आज भी वही हो रहा है, आज ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर नहीं है लेकिन दूर बैठकर जो पूरा दुनिया में साम्राज्यवाद बना हुआ है, नव साम्राज्यवाद बोलते हैं, सारे कॉरपोरेट बड़े बड़े घराने उसमें हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक उसकी पूरी वहां पे वो पकड़ है, वहां से वो राज्य करते हैं दुनिया के ऊपर, आज उनके द्वारा चलाए हुए कॉरपोरेट पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए नौकरियां देने का काम भारत कर रहा है। और बड़े गर्व से हमारे 11वीं योजना में लिखा है कि भारत की शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य होगा कि दुनिया के लिए कामगारों की एक फौज खड़ा कर दे, पैदल सिपाही दुनिया के पूंजी के लिए हम तैयार कर दें, यह हमारा सबसे बड़ा फर्ज होगा। और हमने उस पर जोर दिया है कामगारों की कुशल लेकिन गुलाम फौज तैयार कर दें, इसलिए सारी पाठ्यचर्या उनको गुलाम बनाने के लिए, कहीं वो भूल के भी कोई सवाल ना उठा दें, क्योंकि इंसान से सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब इंसान सवाल पूछने लगता है, जब सोचने लगता है, नहीं तो इंसान को एक भीमकाय बड़ी मशीन के पीछे बैठा दीजिए, चाहे वो क्रेन हो चाहे वो डंपर हो, उसके पीछे बैठा दीजिए, वो आपको बड़ा खतरनाक दिखेगा पर खतरनाक नहीं होगा, वो वही करेगा जो उसका मालिक बता रहा है। खतरनाक उस दिन होगा जिस दिन वो सवाल पूछने लगेगा कि पहाड़ में क्यों गिराऊं, इस जंगल को क्यों नष्ट करूं, जिस दिन वो पूछ लेगा उस दिन बहुत खतरनाक इंसान हो जाएगा। इस बात को सब राजसत्ता के लोग जो शिक्षा की योजना बनाते हैं जानते हैं, आज वाले भी और 1835 वाले भी। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा केवल रोजगार देने के लिए तैयार की जाती है उसको मैं शिक्षा मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि रोजगार के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उनका जो महज रोजगार के लिए होती है उसको मैं शिक्षा मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए वे तमाम ब्रिटिश सरकार के विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो उच्च शिक्षा के हो, जो केवल रोजगार देने के लिए, नौकरियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा कोई उनका मकसद नहीं है, उनको मैं शिक्षा देने वाले विद्यालय मानने को तैयार नहीं हूं। इस पर आप बहस कर सकते हैं, उनसे मतभेद हो तो बता सकते हैं। और इस बात में उनका रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ काफी संवाद हुआ, कई बारी हुआ,
लगातार पोस्ट कार्ड चिट्ठियों से एक बड़ी अच्छी किताब निकली है अंग्रेजी में, एक इतिहासकार ने लिखी है, सारे पुराने पोस्ट कार्ड चिट्ठियां टैगोर और गांधी के बीच में जो गए उनको उन्होंने एक किताब में शामिल करके उसका विश्लेषण किया है। और टैगोर और गांधी के बीच में भारी मतभेद थे, पर एक बात में वो एक थे कि शिक्षा केवल रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए नहीं हो सकती, इस पर दोनों एक बात है। बाकी और बहुत सारे मतभेद थे उनके, क्योंकि महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, नामबंद कर रहे थे लोगों को, तो उनका एक नजरिया था कि शिक्षा कैसी हो, और टैगोर सौंदर्य बोध के साथ जोड़कर, भारत की प्राचीन संस्कृति से निकली हुई ललित कलाओं के साथ जोड़कर शिक्षा का, उच्च शिक्षा का खासकर पुनर्निर्माण कर रहे थे, उनका उसी बात को देखने का एक अलग नजरिया था। दोनों के बीच में बहुत सारी समान बातें थी, वो एक अलग संवाद है, उस पर ज्योति भाई ने मुझे कल ही बताया, उन्होंने भी एक लेख लिखा है, उसको जरूर पढ़ा जाए, और टैगोर के ऊपर जो पूरी एक किताब है टैगोर और गांधी के संवाद पर, उसको देखा जाए, लेकिन वो अलग विषय है, आज का विषय नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि खेती में काम करने वाले लोग जो अधिकांश लोग थे भारत के उस समय भी आगे हैं, उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो कभी लौटकर हल नहीं पकड़ेंगे, गाय का दूध दुहना नहीं सीखेंगे, भैंसों को चराना नहीं सीखेंगे, वो अपने गांव के जीवन से भागेंगे। और इसी से जहां मैं काम करता हूं मध्य प्रदेश में, उस इलाके में एक कहावत बनी कि पांचवी कक्षा तक जो बच्चा पढ़ गया वो घर से गया, गांधी की बात है, वो घर से अलग हो गया। आठवीं कक्षा, जिसको मिडिल स्कूल बोलते हैं मध्य प्रदेश में, आपके यहाँ सातवीं में खत्म होता है वो, आठवीं क्लास तक जो पढ़ गया वो काम से गया, वो कभी काम नहीं कर रहा, नौकरी कर सकता काम नहीं कर रहा। और जो हाई स्कूल तो पढ़ गया वो गांव से गया, गांव तो इतनी मैंने सुनी जब मैं गांव में रहता था काम करता था, उसमें हमने अपने आप जोड़ दिया, उसको बहुत पसंद किया गांव वालों ने। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ गया वो देश से गया, वो शिक्षा जो लगातार हमको अपनी जड़ों से काट रही है, गांधी जी ने लगातार 1909 के हिंद स्वराज से शुरू करके 1940 तक, 1942 तक जब तक शिक्षा पे खूब वो काम करते रहे, लिखते रहे, लगातार कहते रहे, ये शिक्षा हमें अपनी जड़ों से काट रही है और जड़ों से काटने वाली शिक्षा सही नहीं है। लेकिन आप ये समझेंगे कि इसका मतलब ये कह रहे थे जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, नहीं, वो ये भी नहीं कह रहे थे, बड़ी एक जटिल बात पेश कर रहे थे कि हम अपनी जड़ों से तो जुड़े रहेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारी जड़ों में जो भी खामियां थी, जो भी विसंगतियां थी, जो भी उसमें दकियानूसीपन था, उन सब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़ेंगे, उसको बदलेंगे, पर अपनी जड़ों से जुड़ कर लड़ेंगे, न कि जड़ों से कट के लड़ेंगे। तो अपनी जड़ों से जुड़कर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उन्हीं जड़ों के साथ कैसे लड़ी जाती है, और उसे जड़ों को बदला भी जाता है और नई दुनिया को के साथ जूझने का एक नया रास्ता खोजा जाता है, ये बात उन्होंने कई तरीके से कही, जो उन्होंने बाद में बड़े, किसी ने कहा तो आप चाहते हैं आप बंद दिमाग से रहें, आप केवल हिंदुस्तान के अंदर बंद रहें, केवल गीता और रामायण पढ़ें, इससे आगे न बढ़ें, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे मकान में रहना चाहता हूं जिसकी सब खिड़कियां खुली हों और जोर जोर से हवा बह रही हो, पर मैं इतनी मजबूती से मकान में रहना चाहता हूं कि मुझे वो हवा आंधी उड़ा ना सके, पर जो अच्छा हो सभा में उसको मैं ग्रहण कर लूं, ऐसे मकान में रहना चाहता हूं। ये पूरी बहुत बहस का सवाल हो सकता है, इस पर सोचने जरूरत है। अगर कोई कहे कि गांधी जी ने बार बार गीता और रामायण का जिक्र किया, रामचरित मानस का जिक्र किया, और उसकी अच्छी बात ये अधूरेपन की सोच होगी। उनका एक बहुत मशहूर लेखन है जिसमें उन्होंने इस बात को कहा, लिखा कि मैं अपनी गीता और रामायण से दुनिया को देखता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के अन्य मजहबों में देवत्व नहीं है, वो देवत्व दुनिया के सभी मजहबों के सभी ग्रंथों में है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो अवेस्टा है पारसियों का, वो कोई भी मजहब का ग्रंथ हो, सब में एक खूबी है, वो देवत्व है, उन्होंने कहा उसमें ईश्वरत्व है, जो गीता में भी है और रामचरितमानस में भी है, रामायण में भी है, ये बात बहुत साफ है। देवत्व सब जगह है, उन्होंने माना और बाद में भी कहा कि इंसान में भी, हर इंसान में देवत्व है, इसलिए गांधी को इसमें कोई मतलब दुविधा नहीं थी इस मानने में कि वो जुड़े रहेंगे अपने वो गीता से और रामचरितमानस से, लेकिन सारे मजहब के ग्रंथों में वो देवत्व और ईश्वरत्व ढूंढते रहेंगे और देखते रहेंगे। इस पर बहुत लोगों ने लिखा है, अभी इस पर हम नहीं जाएंगे।
एक सवाल जो बहुत विवादास्पद भी रहा है गांधी के विमर्श में, लोगों ने कहा अगर आप पुराने भारत की बात कर रहे हैं तो पुराने भारत में तो भेदभाव बहुत रहा, खासकर गांवों में बहुत रहा, जाति का भेद तो बहुत ही रहा, वर्ग का भेद भी रहा और जाति का भेद भी रहा, और अब हमने ये भी जाना है कि औरत और मर्द के स्थिति में भी, उनके हालात में भी बहुत भेदभाव रहा, और जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग लोग हैं उनमें, और जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनके बीच में बहुत भेदभाव रहा। भेदभाव हमारे पुराने समाज की जड़ में है, बुनियाद में है, इसको गांधी जी ने बार बार माना और बार बार इसका जिक्र किया। और इसी से मैं अंबेडकर पे जाने वाला हूं, लेकिन उनका मानना था कि हम इस भेदभाव को खत्म करने के लिए, जाति का भेद हो, वर्ग का भेद हो, विकलांगता वाला भेद हो, या औरत मर्द के बीच में जो पितृसत्ता से निकला हुआ भेद होता है वो हो, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए इसी समाज में लड़ाई लड़ेंगे, इसी समाज को बदलेंगे। यहां से शुरू होती है उनकी वो पूरी लड़ाई जो अंबेडकर के साथ वैचारिक लड़ाई हुई, और वो लड़ाई अंबेडकर के साथ यहां से शुरू होती है जब अंबेडकर ने कहना शुरू किया कि जब तक गांधी जी आप वर्णाश्रम स्वीकारेंगे तब तक आपकी वो सारी बात कि हम जाति का भेदभाव खत्म करेंगे मुझे मान्य नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने बार बार सिद्ध कर सकता हूं, और उन्होंने सिद्ध किया, बहुत लिखा उन्होंने, गांधी जी को डायरेक्टली भी लिखा, सीधे भी लिखा, वो लिखते ही रहे इसके ऊपर कि जब तक वर्णाश्रम रहेगा तब तक जाति का भेदभाव कायम रहेगा और तब तक हिंदुस्तान में कभी बराबरी नहीं आ सकती। अंबेडकर ने बड़े पुख्ता तरीके से बौद्धिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी इस बात को पेश किया गांधी जी के सामने। मेरा मानना यह है कि जो पूरा पैक्ट कहलाता है जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में एक अलग ढंग की राजनीतिक बहस हुई कि चुनाव प्रणाली में क्या तब्दीलियां आनी चाहिए, और उसका जो उनके बीच में एक तरह की समझ बनी आपस में, एक तरह का समझौता ही हुआ, मुझे लगता है उसके बाद गांधी जी के अपने दृष्टिकोण में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। और गांधी जी की खासियत लगातार सीखते थे, जिस जो उनके विरोधी होते थे उनसे शायद ज्यादा तेजी से सीख लेते थे, जो उनके पक्ष के होते थे उनसे कम धीमे धीमे सीखते थे, सीखते हरेक सीखते, बच्चे से भी सीखते थे, बड़ों से भी सीखते थे, हर एक चीज सीखते थे, बहुत बड़ी खूबी थी। और ये खूबी हमारी शिक्षा में अगर आ जाए, हमारी पाठ्यचर्या में आ जाए, जो गांधी जी के पूरे जीवन में देखने को मिलती है, लगातार सीखते जाना और लगातार सीख के अपने विचारों में तब्दीली करते रहना। और गांधी ने बहुत खूबसूरत ढंग से एक बार लिखा इस बात को, उनके अपने जब हिंद स्वराज की उन्होंने एक नई प्रस्तावना 1931 में लिखी, दोबारा लिखा, कई बार छपा हुआ हिंद स्वराज, जब हिंद स्वराज 1931 में छपा तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना में लिखा, ये बात लिखी कि लोग जब मुझे पढ़ते हैं तो कहते हैं पहले तो आपने कुछ और कहा था, अब आप कुछ और कह रहे हैं। उनका हाँ, मैं लगातार नई बात कहता हूँ तो नई बात सीखता जाता हूँ, और जिन विद्वान जनों से मेरा, उन सब विद्वान जनों से अनुरोध है जब मुझे पढ़े तो मेरे लिखी हुई चीज की तारीख भी नोट कर लें साथ में, और तारीख को देखकर मेरी व्याख्या करें, नहीं तो वो उलझ जाएंगे मेरी बातों में, तो पहले कुछ और कहा। लगातार सीख रहे हैं, अंबेडकर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, मेरा बहुत, जितना मैं नई तालीम को पढ़ रहा हूँ, जितना मैंने नई 1937 में जिसकी बात कल होगी वर्धा में जो उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में भाषण दिया उसमें, तो मुझे बिल्कुल दिखता है कि अंबेडकर का प्रभाव दिख रहा है मुझको इसमें, उनके साथ जो विवाद हुआ 1933-34 में उनका, लेकिन विवाद होता रहा, अंतर होता रहा। मुझे लगता है जहां पर दोनों ने एक बात कही वो थी शिक्षा की भूमिका समाज में क्या होनी चाहिए। अंबेडकर ने नारा दिया तो उन्होंने दलितों के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, पर मेरे हिसाब से नारा पूरे भारत के लिए है, क्योंकि ये मानना बहुत गलत बात होगी कि अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा थे जिस रूप में उनको पेश किया गया है। मेरा मानना है कि जब संविधान सभा में यह तय हुआ कि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे, उस संदर्भ में उन्होंने कोई चार जो बड़े भाषण दिए हैं वो पढ़ने योग्य, मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, मैं लाया हुआ हूँ उनको, उन चारों भाषणों को आज सवेरे भी ट्रेन में पढ़ रहा था। उन भाषणों को अगर आप पढ़ें तो आप भौचक रह जाएंगे कि वो दलितों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो बात पूरे हिंदुस्तान की कर रहे हैं। नया हिंदुस्तान जो आजादी के बाद बनने वाला है, एक आधुनिक हिंदुस्तान जो बनने वाला है, नए हिंदुस्तान के का संविधान कैसा होगा, उसका वैचारिक खाका क्या होगा,
उसका राजनीतिक आर्थिक खाका क्या होगा, उसका सांस्कृतिक खाका क्या होगा, उसकी राजनीति क्या होगी, उसकी बात कर रहे हैं। वो केवल दलितों की बात नहीं कर रहे। और उन्होंने जब ये नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो क्या कह रहे हैं? कैसी शिक्षा पाओ जो तुमको, तुम सबको अलग अलग इकाइयों में बांट दे, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। अगर जाति के भेदभाव की बात करते हैं तो दलितों में कम भेदभाव नहीं है आपस में, वो ऐसा नहीं है सारे दलित एक ही जात के हैं। दलितों के बीच में भेदभाव है, उनके अंदर भी खान पान की बंदिशें लगी हुई हैं, विवाह की भी, शादियों की भी बंदिशें लगी हुई, उनके बीच में भी बहुत अलगाव है। ये तो नहीं कह रहे थे ऐसी शिक्षा दे जो तुमको और बांट दे छोटी छोटी जातियों में, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। और ना ही हमको कह रहे हैं कि आप ऐसी शिक्षा पाइए जो आपको एक दूसरे के खिलाफ कर दे, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ, एक भाषा बोलने वाले को दूसरी भाषा के खिलाफ, एक अंचल के लोगों को दूसरे अंचल के खिलाफ, जो हो रहा है आज हिंदुस्तान में। वो एक ऐसी शिक्षा की बात कर रहे हैं जो आपके बीच में जो एकता है, जो अंतर्निहित इनहेरेंट एकता आपके बीच में है, उसको पुख्ता करे। और जो आपका एक बड़ा दुश्मन है आर्थिक व्यवस्था में, जो दुश्मन होता है राजनीतिक व्यवस्था में, जो दुश्मन होता है, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार करे। यानी ठीक वही बात जो गांधी कर रहे थे, ठीक वही बात जो महात्मा ज्योतिबा फुले कर रहे थे। तीनों की बातों में ये एक समान सूत्र में ढूंढ रहा हूं जो मुझे दिखता है। शिक्षा ऐसी हो जो समाज में और राजनीति में बदलाव के लिए हमको तैयार करे, न कि उसकी यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए। शिक्षा शास्त्र में दो शब्द हैं और मैं जानबूझ के इन सैद्धांतिक शब्दावली का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि सैद्धांतिक शब्दावली पर अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे आज शाम को, रात को, कल सवेरे, कल शाम तक, तो बहुत कुछ खुद निकाल लेंगे। एक शब्द है सामाजिक पुनरुत्पादन, अंग्रेजी में सोशल रिप्रोडक्शन, और दूसरा शब्द है ठीक इसके खिलाफ परिवर्तनकारी शिक्षा, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। इसका गुजराती पर्याय मैं बच्चों से बोल रहा हूं, बच्चियों से बोल रहा हूं, ढूंढ के रखिए, कल सवेरे जब मिलूंगा 8:30 बजे आपको, मुझे जरूर बताएगा इसका सही गुजराती पर्याय क्या होगा, सामाजिक पुनरुत्पादन या सोशल रिप्रोडक्शन, और दूसरा परिवर्तनकारी शिक्षा या ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। लिख लीजिए और ढूंढ के रखिएगा। सामाजिक पुनरुत्पादन का वही मतलब जो नारायण भाई समझा चुके हैं, आज की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसका सामाजिक ताना बाना जो भेदभाव पर टिका हुआ है, गैर बराबरी पर टिका हुआ है, जो लालच पर टिका हुआ है, जो मोह पर टिका हुआ है, अनैतिक मूल्यों पर टिका हुआ है, उस तमाम सामाजिक राजनीतिक मामले ताने बाने को बरकरार रखने वाली जो शिक्षा होगी वो सामाजिक पुनरुत्पादन की होगी। इसी समाज का पुनरुत्पादन कर रही है, उसका रिप्रोडक्शन कर रही है। इसको बदलने वाली जो शिक्षा होगी, जो हमको सवाल पूछना सिखाएगी, हमारे में जिज्ञासा पैदा करेगी, हमें शोध करना सिखाएगी, हमको समीक्षा करना सिखाएगी, हमको प्रयोग करना सिखाएगी, नए रास्ते खोजना सिखाएगी, नए रास्तों पर चलने के लिए हिम्मत भी पैदा करेगी, जो हमारे ज्ञान के क्षेत्र में भी नए रास्ते दिखाएगी और हमारे भावनाओं के क्षेत्र में भी हिम्मत पैदा करके उन नए रास्तों पर चलने की हिम्मत पैदा करेगी और लगातार सृजन करने की क्षमता पैदा करेगी। ऐसी परिवर्तनकारी शिक्षा जो होगी उसकी वकालत महात्मा फुले ने करी, गांधी जी ने करी और अंबेडकर ने करी। अंबेडकर की बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं संविधान की बात ना करूं। ऐसा नहीं है कि संविधान में जो कुछ लिखा है वो केवल अंबेडकर की बात थी, बाबा साहब अंबेडकर की थी, ऐसा नहीं है। संविधान में कई मोर्चे बाबा साहब अंबेडकर ने हारे हैं। अगर आप संविधान सभा को के डिबेट को पढ़ें, उसके इतिहास को देखें, तो कई मोर्चे वे हारे हैं, लेकिन कई मोर्चे जीते भी हैं, क्योंकि अकेले बैठ के तो उन्होंने बनाया नहीं। एक बड़ी संविधान सभा थी और वो समाज जो कभी एक औपचारिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में नहीं बना था, उसमें हजारों रियासतें थी, आप सब जानते हैं, आपके गुजरात में भी थी और पूरे देश में थी, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था,
और ब्रिटिश इंडिया खुद उन रियासतों के बीच में छोटे टापुओं के रूप में था और अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग जो आपस में कभी मिले जुले नहीं थे, खासकर पूर्वांचल के लोग, नागालैंड के, मिजोरम के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय के, बहुत सारे अंचलों के खासी लोग, गारो लोग, तो जानते भी नहीं थे कि आजादी की लड़ाई कैसी है, वहां क्या हो रहा है बाकी हिंदुस्तान में। और शायद गांधी जी भी सब जगहों पे नहीं पहुंच पाए हो, बहुत जगह गए, ये हिस्सा उनसे भी शायद छूट गया। और नागालैंड के लोग आज भी कहते हैं हम भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, वो अलग लड़ रहे थे, आपके साथ मिलकर नहीं लड़ रहे थे। मेघालय के खासी और गारो इतिहास में लिखा हुआ है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी, कभी आपने पढ़ा उसके बारे में कि मेघालय जो हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहां के खासी और गारो लोगों ने और नागालैंड के सेमा लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्र रूप से अपनी लड़ाइयां लड़ी, कभी इसका इतिहास आपने सीखा है? मैंने तो नहीं सीखा, आपकी पुस्तकों में अगर आज आ गया हो तो जरूर बता दीजिएगा, मेरी पुस्तकों में तो कभी नहीं था। तो एक बिल्कुल अलग इलाका था, वो भी हमसे जोड़ने की कोशिश में था। भारत की इस मुख्य धारा, जो भी मुख्य धारा, मुझे नहीं मालूम मुख्य धारा क्या थी, जिसको लोग आज मुख्य धारा बोलते हैं, उस समय भी बोलते थे ये भारत है, उसमें जोड़ने की कोशिश थी। उधर हिंदुओं मुसलमानों के बीच में द्वंद्व बढ़ रहा था, वो भी बहस चल रही थी, अलग अलग भाषाओं की लड़ाई थी। और जैसे ही हमारी संविधान सभा में यह आग्रह, जिसको मैं दुराग्रह मानता हूं, मुझे माफ करेंगे, कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, मैं दुराग्रह बड़ी हिम्मत से बोल रहा हूं इस बात को, तो तमाम दक्षिण भारत के लोग खड़े हो गए, क्योंकि फिर आप अपना हिंदुस्तान बना लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमारी तो भाषा हिंदी नहीं है ना, क्या आप तमिल को मानेंगे, तेलुगु को मानेंगे, कन्नड़ और मलयालम को भारत की भाषा बनाएंगे, वो भी तो भारत की भाषाएं हैं। ये तमाम विवाद जब खड़े हो रहे थे उस समय, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें कही कि हम ये याद कर लें कि आज हम इस संविधान सभा में नए भारत का निर्माण करने के लिए बैठे हैं, जो भारत पहले नहीं था उसका संविधान बना रहे हैं। इस भारत में अलग अलग तबके हैं, उनके बीच में अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां हैं, और बहुत ही एक खूबसूरत बात उन्होंने कही, उसके एक तबके की लड़ाई का नेतृत्व इत्तफाक से और दुर्भाग्य से मैं भी करता हूं, मैं भी एक तबके की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन कल हमको इकट्ठे एक मुल्क का हिस्सा बनना है, एक मुल्क का नागरिक बनना है। उस मुल्क का संविधान कैसा होगा इसको बनाने के लिए हम बैठे हैं, अपने अपने तबकों का हिंदुस्तान बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। तालियां पिटी उस समय संविधान सभा में जब उन्होंने ये बात कही, एक नया हिंदुस्तान गढ़ने बैठे हैं। इसलिए हमें आपस में बातचीत करना सीखना होगा, एक दूसरे के डर आशंकाओं को, उनके सवालों को से जूझना पड़ेगा। उनके डर में अगर कोई, उनके दिल में अगर कोई डर बैठ गया है एक दूसरे मतों के लोगों को लेके, उससे भी हमें जूझना पड़ेगा, तभी वो हमारे साथ रहेंगे। और इस देश में बंटवारे की बात हम सोच ही नहीं सकते, क्यों, हमें इकट्ठे रहना है, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करना है। उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की एक दृष्टि थी, वो दृष्टि आप संविधान पढ़िए दिखती है, मैंने तो वहीं से निकाली है, लिखा भी मैंने बहुत इसके ऊपर। उन्होंने आर्टिकल अनुच्छेद हिंदी में 45 नंबर का लिखा, जब वो लिखा जा रहा था, एक प्रारूप में था, ड्राफ्ट में था, तो उसी समय मौलिक अधिकार क्या हो, फंडामेंटल राइट क्या हो, ये तय करने के लिए एक मौलिक अधिकार की अलग कमेटी बनी हुई थी। उसके सामने प्रस्ताव गया ड्राफ्टिंग कमेटी का कि शिक्षा के इस अनुच्छेद 45 को मौलिक अधिकार माना जाए। अभी उस कहानी में नहीं जाऊंगा, वो उपलब्ध कहानी मेरे पास है, लेकिन उस कहानी का मैं बिना उसकी बारीकियों में जाए केवल इतना बताऊंगा, मौलिक अधिकार समिति ने अंबेडकर के कमेटी के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि अनुच्छेद 45 जो शिक्षा का अनुच्छेद था उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। ये मालूम था आपको, सोचिए, इनकार कर दिया। उससे देश के बहुत बड़े बड़े राजनेता जो आजादी की लड़ाई के महानेता थे मौजूद थे, जिन्होंने इनकार किया। और उन्होंने क्या कहा, जो मैकॉले ने कहा था, उनका कि हर चीज को थोड़ी ना हम ऐरी गरी चीजों को मौलिक अधिकार बना लेंगे, यही शब्द है, हर ऐरी गरी चीज को थोड़ी मौलिक अधिकार बना लेंगे,
आखिरकार हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारे पास संसाधन कहां है सबको शिक्षित करने के लिए? नकारा गया। क्या लिखा था अनुच्छेद 45 में जिससे लोग डर गए मौलिक अधिकार कमेटी के? उसमें यह लिखा था कि आजादी के इस संविधान बनने के 10 साल के भीतर, 1950 में बना संविधान आप जानते हैं, 1960 तक 10 साल के भीतर भारत के 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को, 14 वर्ष की उम्र तक के, एक एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, यह नहीं लिखा था 6 से 14 आयु के बच्चों को, उसमें 6 साल से नीचे के भी बच्चे शामिल थे और 6 साल ऊपर, 6 साल के ऊपर के भी बच्चे शामिल थे, 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे दी जाएगी, यह लिखा था उसमें। इसे घबरा गई हमारी मौलिक अधिकार कमेटी। अब तो ब्रिटिश लोगों की बात नहीं हो रही ना, अब तो अपने लोगों की बात हो रही है जिनके चमड़ी का रंग वही है जो हमारा है। अब तो फर्क पहचानना भी मुश्किल है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 1948-49 की बात कर रहा हूं। क्या केवल यही लिखा है शिक्षा के बारे में? नहीं, अनुच्छेद 46 है वो क्या कहता है, जब यह शिक्षा दी जाए 10 साल के भीतर सब बच्चों को 14 साल की उम्र तक के। इसका मतलब क्या, आमतौर पर 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे पहली कक्षा में पहुंचते हैं और अगले 8 साल तक अगर स्कूल में रहेंगे तो 8 साल की शिक्षा पूरी कर लेंगे, जिसको आज की भाषा में प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक नहीं, प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। और 6 साल से नीचे वाले, कम से कम 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, और गुजरात तो उसका एक सबसे बड़ा मॉडल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, प्रेरणादायक मॉडल है, जहां बालवाड़ी का पूरा एक आंदोलन चला है और गिजू भाई इसी गुजरात के व्यक्ति हैं स्वराष्ट्र के, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि छोटे बच्चों के साथ, उस उम्र के बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए, कैसी पढ़ाई लिखाई का स्वरूप क्या हो, उस गिजू भाई के प्रदेश में। तो कह सकते हैं गांधी जी ने ये बात रखी, अंबेडकर ने उसको डलवाया अनुच्छेद 45 में कि 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को भी इसमें शिक्षा के अधिकार में शामिल किया जाए और शामिल हुए। और 3 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए क्या करा उन्होंने, लिखा आर्टिकल 39 पढ़िए, उसमें लिखा है कि इन सब बच्चों को, तमाम बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा पोषण उपलब्ध हो, आहार उपलब्ध हो, ताकि वे एक स्वस्थ जीवन जी सकें और एक सम्मानजनक नागरिक बनने के लिए तैयार हो सकें। क्या इतना ही लिखा है उसमें? नहीं, और बहुत कुछ लिखा है। अगर पूरी बात समझनी है तो संविधान को और पलटिए, और उसी आर्टिकल 39 में, मैं शायद लाया हूं वो, मैं केवल ये पढ़ के बात को समाप्त करना चाहता हूं, उसी आर्टिकल 39 में ये वे वाक्य हैं जिसको पढ़ने से भी हमारा सुप्रीम कोर्ट तक घबराता है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी घबराते हैं, इसका जिक्र अब कभी भी उनकी जजमेंट में नहीं आता है। ये आर्टिकल 39 उसका उप अनुच्छेद बी और सी, वो कहता है कि भारत के तमाम भौतिक संसाधनों पर की मिल्कियत और नियंत्रण इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि इससे अधिकतम लोगों का सार्वजनिक रूप से भला हो। तमाम संसाधनों का, जमीन का, जंगल का, पानी का, नदियों का, और ज्ञान और शिक्षा का, ये भी तो संसाधन है, ऐसे किया जाए कि इसका अधिकतम भला सार्वजनिक रूप से सबको मिले। और आगे उसका जो अगला उप अनुच्छेद है सी, वो क्या कहता है, भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से किया जाए कि उसकी संपत्ति और उत्पादन के साधनों का का, का, का फायदा देश भर को, आम लोगों को मिल पाए। मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों उप अनुच्छेदों का लेखन बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी से हुआ है, कि उनके जो और चीजें मैं पढ़ता हूं जिसमें उन्होंने संविधान सभा में भाषण में कहा कि वो अर्थव्यवस्था आजाद हिंदुस्तान की कैसी होगी जो समाजवादी सिद्धांतों पर टिकी हुई नहीं होगी। एक आधुनिक भारत के निर्माता की बात मैं आपको सुना रहा हूं, मैं दलितों के मसीहा की नहीं सुना रहा हूं। उस आधुनिक भारत में ही दलितों का उद्धार होगा, इस बात को उन्होंने बहुत साफ सुथरे ढंग से रखा। केवल दलितों का क्यों, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, अति शूद्रों का, अति शूद्र महात्मा फूले की भाषा का शब्द है, अति शूद्रों का, और तमाम अन्य गरीब लोगों का, जो चाहे उच्च वर्ण के हों, चाहे उच्च वर्गों में जो गरीब हो जाते हैं उनकी बात हो, जिनकी जमीनें छिन रही हैं आज, मकान छिन रहे हैं, संपत्ति छिन रही है तेजी के साथ, उनको गांव से उखाड़ के जबरदस्ती शहरों में गरीब बना के भेजा जा रहा है, इन सबका अगर उद्धार होना है तो जो आर्टिकल 39 में
बीओसी मैंने पढ़ के बताया, अर्थव्यवस्था और भौतिक संसाधनों पर कंट्रोल से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था के रूप से संबंधित, अगर उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं तो आर्टिकल 45-46 की क्या बात बच जाती है। केवल यही नहीं, आर्टिकल 14 क्या कहता है, जो मौलिक अधिकार है, वो कहता है कि हर एक नागरिक हिंदुस्तान का कानून के सामने बराबर होगा। आर्टिकल 15 का उप अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारतीय राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी अंचल का हो। बराबरी और भेदभाव को मिटाना भारतीय संविधान की नींव है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से आज शुक्रगुजार हैं बाबा साहब अंबेडकर के प्रति। और गांधी उतने ही तेजी के साथ बराबरी की बात करते हैं जितनी तेजी के साथ बाबा साहब अंबेडकर करते हैं, कोई फर्क मैं नहीं देखता हूं। बार बार वो कहते हैं फर्क इतना ही है, उनको लगता है कि वर्तमान सामाजिक ताने बाने में ही गैर बराबरी खत्म करके बराबरी लाई जा सकती है, और बाबा साहब अंबेडकर बार बार कहते हैं ये संभव नहीं है। इसीलिए उनका वो प्रमुख वाक्य मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं। ये विक्रम तैयार हो जाइए आखिरी स्लाइड के लिए, झंडे वाली। आज 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना, लागू हुआ, हम एक अंतर विरोधों से भरी हुई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, अंतर विरोधों से भरी हुई जिंदगी में, बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं। राजनीति में तो हम बराबरी दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में गैर बराबरी बरकरार रख रहे हैं। राजनीति में क्यों, हर एक को एक वोट का अधिकार मिला। राजनीति में हम ये सिद्धांत मानेंगे कि हर इंसान को एक वोट का अधिकार होगा और हर वोट की वही कीमत होगी जो दूसरे वोट की होगी, पर अपने सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में हम अपने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के कारण, उसकी संरचना के कारण, उसके स्ट्रक्चर के कारण लगातार हर इंसान को के वोट को बराबरी की कीमत देने से पीछे हटते रहेंगे, उसको नकारते रहेंगे। हम कितनी देर तक इस बराबरी को सामाजिक आर्थिक जीवन से नकारेंगे? अगर हमने बहुत देर तक इसको नकारा, जो आज तक नकार रहे हैं 60 साल तक, अगर बहुत देर तक हमने इसको नकारा, तो हम जिस राजनीतिक लोकतंत्र को आज बना रहे हैं वो बड़े खतरे में पड़ जाएगा, आज खतरे में पड़ चुका है। चाहे आप 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की बात करें, चाहे आप कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले की बात करें, चाहे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले की बात करें, और तमाम घोटाले जो होते रहते हैं, वो सब जुड़े हुए इस बात से कि हमने भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर की जो बराबरी का सिद्धांत था और आर्थिक व्यवस्था को बदलने का सिद्धांत था, हमारे संसाधनों पे सारे समाज के कंट्रोल का जो सिद्धांत था, जो गांधी जी का भी सिद्धांत था, इसको हमने पूरी तौर पर नकारा है। और ये उस विमर्श की पृष्ठभूमि है जिसमें हम शिक्षा की बात को कर रहे हैं। विक्रम आखिरी स्लाइड दिखा दीजिए, या कोई और दिखाना चाहते हैं, तैयार है क्या? हाँ, विनोबा का बयान मैं पढ़ देता हूं, आप देख लीजिए। आप ये दो तीन बस ये दिखा के बात को खत्म कर रहे हैं। ये कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया, झंडे वाला बयान है, बहुत, विनोबा जी का। वो कह रहे हैं कि मुझे वर्धा में 15 अगस्त 1947 को एक बार बुलाया गया बोलने के लिए, तो मैंने वहां कहा, देखो भाई, स्वराज तो मिल गया, क्या पुराना झंडा एक दिन के लिए भी चलेगा? क्या पुराना झंडा एक दिन के लिए भी चलेगा? तो सब लोग मिलके बोले, नहीं चलेगा। तो विनोबा जी बाद में याद करके बात को लिख रहे हैं, अगर पुराना झंडा चला तो उसका अर्थ होगा कि पुराना राज्य जारी है। जैसे नए राज्य में नया झंडा होता है, वैसे नए राज्य में नई तालीम चाहिए। आप देख चुके रिश्ता राज्य के चरित्र का, राज्य के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चरित्र का, क्या रिश्ता होता है शिक्षा के साथ, मैकॉले से लेके आज तक क्या रिश्ता आप देख चुके हैं, सामाजिक पुनरुत्पादन की बात सुन चुके हैं, और कैसे परिवर्तनकारी शिक्षा नकारी जाती है, दबाई जाती है, ये भी आप सुन चुके हैं। तो आप उससे जोड़ के विनोबा जी की बात को देखिए, वो कहते हैं कि नए राज्य में नई तालीम चाहिए, अगर पुरानी तालीम ही चालू रही तो समझना चाहिए कि पुराना राज्य ही जारी है, नया राज्य आया नहीं। गांधी जी ने दूरदृष्टि से नई तालीम नाम की एक पद्धति सुझाई। अगर मेरे हाथ में राज्य होता तो सारे विद्यार्थियों की आज मैं छुट्टी कर देता, छुट्टी दे देता उनको, छुट्टी दे देता और कहता कि 3 महीने की आपको छुट्टी है,
खेल कूद लीजिए, मजे कीजिए, जरा मजबूत बनिए, थोड़ी खेती बाड़ी कर लीजिए, स्वास्थ्य स्वराज का स्वराज मिला उसका आनंद भी भोगिए। तब तक शिक्षा शास्त्रियों का सम्मेलन होगा और हिंदुस्तान की नई तालीम का ढांचा वे तैयार करेंगे। तब तक छुट्टी, परंतु उसके बदले में अब हमने चार चार पंचवर्षीय योजनाएं बना ली हैं, लेकिन तालीम का पुराना ढांचा अभी भी लागू है। मतलब चार पंचवर्षीय योजना, मतलब 20 साल बाद की बात है, 1967-68 के आसपास उन्होंने ये बयान लिखा होगा। और आज हम कह सकते हैं हमने 11 पंचवर्षीय योजनाएं बना ली हैं, अभी तक वो झंडा उतरा नहीं है, ब्रिटिश राज का अभी भी लगा हुआ है, दिखता नहीं है आपको, तिरंगे के पीछे छिप जाता है वही जो चल रहा है। क्या आप काका साहब कलेल का कर दिखाएंगे स्लाइड? हाँ, ये आ गई है, बहुत बढ़िया। काका साहब कालेलकर ये कह रहे हैं, 1975 में उन्होंने कहा, यदि मैं गुजरात में होता, आपके गुजरात में, यदि मैं गुजरात में होता तो जुगत राम भाई, जुगत राम दवे जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जुगत राम भाई को साथ लेकर अहमदाबाद जाकर, उसमें अहमदाबाद था आपकी राज्य की राजधानी, गांधीनगर बाद में बना, अहमदाबाद जाकर गुजरात की लोकतांत्रिक सरकार को जोर देकर कहता कि गांधी जी के प्रयास से तुमको स्वराज मिला है, पूरे देश में जनता का राज्य हुआ है, उस गांधी के साथियों के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं की कद्र आप चाहे ना करें और आप चाहे इनके प्रमाण पत्र को मान्यता न दो तो आपकी बात हम जान जाएंगे, आपकी मान्यता मदद के बिना भी हमारा काम चलेगा, लेकिन हम जो क्रांति करना चाहते हैं उसे अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारी सरकार टिकेगी नहीं, ये आपको समझ लेना चाहिए। हमारी संस्था के तेजस्वी युवा गांधी द्वारा प्रणीत श्रम प्रधान शिक्षा का प्रचार करेंगे, जुगत राम भाई जैसों का प्रचार करेंगे। हमारा काम इन नए शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में होगा समाज का नेतृत्व सौंपने का। इस नए नेतृत्व का प्रमाण पत्र यदि सरकार को मिलेगा तो ही यह सरकार चलेगी। श्रमजीवी संस्कृति को दास बनाने वाली, गुलाम बनाने वाली समाजद्रोही सरकार को बदले बगैर अन्य उपाय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब काका कालेलकर कह रहे हैं, गुजरात की सरकार के संदर्भ में, आज पूरे हिंदुस्तान के संबंध में, सारी प्रदेश सरकारों के और केंद्र सरकार के संबंध में भी वही कह रहे हैं। वो शिक्षा कैसे बनेगी जो बदलाव की शिक्षा होगी, जो हमको तैयार करेगी बदलाव के लिए, सामाजिक पुनरुत्पादन की जगह परिवर्तनकारी नजरिया हमारे दिल और दिमाग में बनाएगी, उसका ज्ञान का चरित्र क्या होगा, उसकी ज्ञान मीमांसा कैसी होगी, इस सब पर हम आने वाले व्याख्यानों में विचार करेंगे। धन्यवाद। व्याख्यान के बाद वहां मौजूद लोगों ने सवालों की बौछार लगा दी। उनमें से कई सवाल आपस में जुड़े हुए भी थे, इसलिए उन्हें इकट्ठा और संपादित करके यहाँ पेश किया गया है। क्या कारण है कि आजादी के बाद भी मैकॉले की शिक्षा चालू रही, नई तालीम लागू नहीं की गई? क्या कारण है कि नई तालीम से प्रेरित अधिकांश संस्थाएं भी आखिरकार मैकॉले की शिक्षा नीति के रास्ते से अलग नहीं हो पाई? क्या आज की अर्थव्यवस्था में नई तालीम सफल हो पाएगी? बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार ग्रामीण समाज की जो संरचना है वह वर्णाश्रम पर टिकी हुई है, इसलिए गांव में दलितों के साथ अन्याय हर हाल होगा। यदि यह ठीक है तो गांधी जी की विकेंद्रित एवं स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके लिए नई तालीम का विचार कैसे स्वीकारा जा सकता है? बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में लिखे गए संविधान में सब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का संकल्प था, क्या इस संकल्प में कहीं नई तालीम का भी कोई विचार था? मैकॉले के प्रतिवेदन के पहले के भारत में भी जो सामाजिक संरचना थी उसमें भेदभाव निहित था और उसका असर शिक्षा पर भी पड़ता था। भारत में साम्राज्यवाद के तहत जो तथाकथित पूंजीवादी विकास हुआ उसने इस भेदभाव पर क्या असर डाला? पुस्तकालयों में उपलब्ध ज्ञान तक सीमित रहने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सीधे गांव में काम करें?
कई तरह के सवाल उठे हैं, इसलिए कुछ संक्षिप्त बातें कहूंगा और जरूरत होगी तो आगे इसकी व्याख्या होती रहेगी। एक बात जो मैंने नहीं जिक्र किया वो था कि 1935 से लेकर 1945 के बीच में नई तालीम के इर्द गिर्द जो अर्थव्यवस्था के प्रश्न घूम रहे थे उनका मैंने जिक्र नहीं किया, वो मैं करना जरूरी लगता है मुझको। 1937 में वर्धा का भाषण आप लोग जानते हैं, उसकी कल मैं कोशिश करूंगा उसकी फोटोकॉपी भी बैठे सबको, बहुत खूबसूरत भाषण है। लेकिन 1935 में नौ प्रांतों की प्रांतीय सरकारें पहली बार चुनी गई ब्रिटिश शासन की नई प्रणाली के तहत, और उसी समय कांग्रेस पार्टी ने आजाद हिंदुस्तान की कल्पना करते हुए एक नियोजन समिति या प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया और उसमें अर्थव्यवस्था कैसी होगी इस पर विचार होना शुरू हो गया। इसका बहुत विस्तृत शोध आधारित ब्यौरा उपलब्ध है जो मैं बात बड़े संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, तो सिद्धांत सामने पेश करना चाहता हूं। उस ब्यूरो से मालूम चलता है, विवरण है उसे मालूम चलता है कि भारत का जो नव धनाढ्य पूंजीपति वर्ग था, जो उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग था, जिसके मुख्यालय मुख्यतः दो जगह थे, कलकत्ता और मुंबई, उस समय का बंबई, उन्होंने बहुत दमदार तरीके से अपना दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था कैसी हो पेश किया, कांग्रेस पार्टी के सामने भी पेश किया, उनके आपस में भी सलाह मशवरे चालू हो गए और उन्होंने उस समय तय किया कि ये जो आजादी का आंदोलन है इसके हम समर्थक हैं, घोषणा करी। गांधी जी को भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बताया कि हम इस पूरे आंदोलन के समर्थक हैं और आप जो लंकाशायर और मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े को आग लगा रहे हैं, होलिका दहन कर रहे हैं, उसके भी हम समर्थक हैं। बिल्कुल साफ था उनको इस आजादी के आंदोलन में अपना भविष्य दिख रहा था कि अगर ब्रिटिश कपड़ा यहां पर आयातित होता रहेगा और बिकता रहेगा तो हमारी सूती मिलों में जो कपड़ा बन रहा है उसके बिकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए बहुत जरूरी था कि ब्रिटिश कपड़े का आयात बंद किया जाए। जो उसका विस्तृत विवरण बहुत बारीकी से उपलब्ध है, पुराने आर्काइव्स को देखकर अध्ययन किया गया है और छपा हुआ किताबों के रूप में, उससे यह भी मालूम चलता है कि उस समय जो उद्योगपतियों के संगठन थे, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, मालूम है कौन सा संगठन था, उद्योगपतियों के जो संगठन थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत शुरू करी और कहा देखिए ये नीतियां हैं ब्रिटिश सरकार की जो हमको मंजूर नहीं है या हमें घाटा होता है उससे, आयात की नीतियां, आयात शुल्क की नीतियां, ऑक्ट्रॉय की नीतियां, अमुक अमुक आर्थिक नीतियां हमको मंजूर नहीं है, आप इनको रुकवाइए, इनको खारिज करवाइए और इनकी जगह ये नीतियां लाइए। तो कांग्रेस पार्टी कई बार इनकी बात मानती थी, कई बार नहीं मानती थी, पर उद्योगपति हमेशा बहुत बुद्धिमान रहे हैं, पूंजीपति का ये चरित्र है कि बहुत बुद्धिमानी से काम करते हैं, केवल जोश में काम नहीं करते, होश में बहुत काम करते हो। तो एक वाक्य जो दर्ज हुआ है इसमें कि गांधी जी एक बारी वायसराय के किसी काउंसिल में आर्थिक सवालों को लेकर गए और उन्होंने पूंजीपतियों के द्वारा सिफारिश की हुई नीति को नहीं सामने किया, माना नहीं, तो पूंजीपतियों की बैठक में बहुत विरोध हुआ, गांधी जी का हम इतना समर्थन करते हैं उन्होंने हमारी बात सामने नहीं रखी, तो उनमें जो वरिष्ठ पूंजीपति थे उनका धीरज रखो अभी तो शुरुआत हुई है, गांधी जी अपने ही आदमी है, आप मत घबराइए, एक दिन हमारी बात रख देंगे वो, अभी जल्दी जल्दी मत की नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसमें स्वदेशी की बात भी आई कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, स्वदेशी उत्पादन होना चाहिए और विदेशी तकनीक आयातित नहीं होनी चाहिए, विदेश की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आनी चाहिए, ये सब हुआ। 1938 में जो आपके ही गुजरात में हरिपुरा सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, और नारायण भाई ने अटेंड भी किया होगा बच्चे के रूप में, 1938 में जो हरिपुरा सम्मेलन हुआ उसमें एक और तो नई तालीम की वकालत की गई, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ,
ये लिखा गया कि गांधी जी के मार्गदर्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी के बताए हुए निर्देशों के अनुसार और आरएनआईएम साहब को साथ लेकर आजाद हिंदुस्तान की पूरी पूरी शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तय की जाएगी। गरीबों की नहीं, गांव वालों की नहीं, शहर वालों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था का मॉडल तैयार किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा आजादी के बाद। उसकी 1938 में एक और ये बात हुई, उसी 1938 में तय हुआ कि जो रास्ता भारत का पूंजीपति वर्ग, नया उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग हमको सुझा रहा है, उसको भी माना जाएगा। दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था। 1945 में वो विख्यात बॉम्बे प्लान छप गया, जिसको टाटा बिरला प्लान के रूप में जाना जाता है। और बॉम्बे प्लान को पढ़िए तो जितनी बातें उन्होंने स्वदेशी के पक्ष में कही थी सब एक एक करके पीछे हटने लगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमको विदेशी तकनीक की जरूरत है, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आयात शुल्क तो अभी भी लगता रहे ताकि उनका माल इंपोर्ट ना हो, पर विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए जगह खोल दी जाए। अंत में बॉम्बे प्लान पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के ने स्वीकार लिया और 1947 के बाद लागू किया गया। और एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी स्वीकारा और नेहरू जी के नेतृत्व में स्वीकारा गया इस बात को कि हम जो नीतियां आर्थिक नीतियां बनाने वाले हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के तहत बहुत बड़ा उत्पादन किया जाएगा, उसको बहुत महत्व दिया जाएगा। बांध बनाना, बड़े बड़े पावर हाउस बनाना, बड़े बड़े खदान बनाना, स्टील प्लांट बनाना, एल्यूमिनियम प्लांट बनाना, इसको औद्योगिकरण में बहुत महत्व दिया जाएगा। राजमार्ग बनाना, ट्रेनें चलाना, क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक पूंजी और तकनीक चाहिए वो भारत के पूंजीपतियों के पास नहीं है। हम वो काम खुद करेंगे जो भारत के पूंजीपति नहीं कर सकते, लेकिन उसके आधार पर भारत के पूंजीपतियों को छोटे आकार के उद्योग चलाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। ये बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के काम सफल होंगे तभी तो भारत के पूंजीपति आगे बढ़ेंगे, ये सब कहा गया और वो नीति दोनों में चली, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था या साझा अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया, मिक्स इकोनॉमी का। जब ये होता है, जब आप उस तरीके के औद्योगिकरण को स्वीकार लेते हैं और गांधी जी का अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसकी पूरी व्याख्या जेसी कुमारप्पा साहब ने अपने ग्रंथों में करी है, पढ़ने योग्य ग्रंथ है, एक ग्राम आधारित स्वावलंबी ग्राम व्यवस्था अर्थव्यवस्था जिसका जिक्र उन्होंने किया, वो एक ओर चली जाती है और औद्योगिकृत भारत दूसरी ओर चला जाता है। औद्योगिकृत और शहरीकृत, इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज्ड। तो नई तालीम की पूरी प्रस्तावना गांधी जी ने एक अलग ढंग की अर्थव्यवस्था, अलग ढंग की सामाजिक व्यवस्था के लिए की थी, जिससे अलग हटने का फैसला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत की राजनीति ने कर लिया। उस ओर भारत के तमाम राजनीतिक दल, वामपंथी भी और दक्षिणपंथी भी, साथ बढ़ गए कांग्रेस के और दूसरा रास्ते पर भारत चला है। उस रास्ते में हम चले ही नहीं जो गांधी की अर्थव्यवस्था का रास्ता था, इसलिए गांधी की नई तालीम वहीं पर गैर प्रासंगिक बन गई, और जो नहीं बनी आप लोगों के प्रयास से उसको जिंदा रखने की कोशिश की गई तो भी वो गैर प्रासंगिक ही रही और हाशिए पे चली गई। ये मोटा मोटा व्याख्या कर रहा हूं, इस पे बड़ी बहस की जरूरत है और व्याख्याओं की जरूरत है, मैं करने को तैयार हूं, इस पे मैंने कुछ अध्ययन भी किया हुआ है। ये तो मोटी बात, मतलब अंत में मैं फिर लौट रहा हूं अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव होता है राजनीति पे और उसके बाद शिक्षा पे, संस्कृति पे। इसके बावजूद संस्कृति और शिक्षा का राजनीति और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको तो मार्क्स ने भी माना। मार्क्स ने कहा यह मानना गलत है कि जो अर्थव्यवस्था होगी वैसी ही शिक्षा होगी, वैसी ही संस्कृति होगी। यह भी संभव है कि शिक्षा और संस्कृति में जो बदलाव होंगे वो अंत में अर्थव्यवस्था में भी बदलाव की नींव बनाएंगे, इसकी बात तो कार्ल मार्क्स ने भी मानी। अब एक और प्रश्न उठा, ये अंबेडकर और गांधी की भारी डिबेट है। बाबा साहब अंबेडकर का बार बार कहना और लिखना था कि हमारे गांव दलित उत्पीड़न का गढ़ है, गढ़ है, और जब तक ये गांव की व्यवस्था रहेगी तब तक दलित उत्पीड़न जारी रहेगा। तो गांधी जी ने कहा, क्या कहा गांधी जी ने, कहा इसी को बदलने का तो काम हम कर रहे हैं, जिसको आप गढ़ बोलते हैं उसी में जो भेदभाव है, उत्पीड़न है, गैर बराबरी है,
उसको खत्म करने का काम ही तो कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी का कहना था कि ये एक और तो जाति आधारित उत्पीड़न है, दूसरी ओर वर्ग आधारित भी है, जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है। जब तक जमीन का बंटवारा गैर बराबरी के सिद्धांत पे होगा तब तक भेदभाव उत्पीड़न जारी रहेगा। इसीलिए संविधान सभा के अपने भाषण में उन्होंने बहुत शुरू में ही, जब प्रस्तावना ही हो रही थी संविधान का रूप कैसा हो, उसी समय कह दिया अगर आप जमीन और उद्योग धंधों के उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते तब तक भारत में भेदभाव चलता रहेगा। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण आ रहे हैं और दोनों में सामंजस्य उस डिबेट में कभी नहीं बैठ पाया। लेकिन गांधी जी ने हिंद स्वराज के बारे में बहुत सुंदर बात अपनी प्रस्तावना में लिखी, वही 1931 के एडिशन में उन्होंने बात लिखी कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने 1909 में जो हिंद स्वराज लिखा उसको तो किसी ने माना नहीं अभी तक, जो कुछ आपने बातें लिखी और जो सभ्यता का द्वंद्व वाली बात आपने लिखी, पश्चिम की सभ्यता कहां ले जा रही है दुनिया को, और वो किस तरीके से हिंसा वाली सभ्यता है, हिंसा मतलब कि हथियार वाली हिंसा नहीं, जलवायु पर गलत असर डालने वाली, जमीन पर गलत असर डालने वाली, जंगल पर गलत असर डालने वाली, समाज को तोड़ने वाली, संस्कृति को नष्ट करने वाली, भाषाओं को नष्ट करने वाली, ये जो हिंसा है, इस प्रकार की जो हिंसा वाली पश्चिम की सभ्यता है, इसको नकारने के लिए आपने हिंद स्वराज लिखा और लड़ाई लड़ी है। पर अब तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में भी, आजादी की लड़ाई के एजेंडे में भी हिंद स्वराज वाली बात खत्म हो गई है, उसका अब जिक्र भी नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने कहा हां मैं उसका अब जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में वे सामाजिक और राजनीतिक हालात नहीं बन पाए हैं जब हमारे देश की जनता ये समझ पाएगी कि पश्चिम की सभ्यता का विकार क्या है, हमें क्यों उसे नकारना है। और पश्चिम की सभ्यता का मतलब पूंजीवादी सभ्यता। पर उन्होंने यह लिखा, मैं एक दिन वो जरूर आएगा जब हिंद स्वराज की बात दोबारा सुनी जाएगी, वो दिन आज आ चुका है। नई तालीम की बात इस क्षण करना एक बेहतरीन क्षण है, यह तो क्षण गांधी जी को भी कभी नहीं मिला था। तब दुनिया भर में वैश्विक गर्माहट, ग्लोबल वार्मिंग का संकट, जलवायु का संकट, खेती का संकट, केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर में खेती का संकट है। जब से ये वाली नई ढंग की खेती आई है जो रासायनिक खादों पे, कीटनाशक दवाओं पे, बिजली पर, और अब बढ़ते क्रम में मॉन्सेंटो कारगिल के जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवंशिक बीजों पर आधारित हो रही है, और पूरी खेती अब दुनिया के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपी जा रही है, इस समय तो वो संकट जिसका जिक्र गांधी जी कर रहे थे और बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। और इससे बेहतरीन क्षण अब नहीं है, कभी नहीं था पहले, जो आज है नई तालीम की बात करने का। कोई नई तालीम की बात पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की है, पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदलने की है, आमूल चूल तब्दीली की है। और गांधी जी की बात मत भूलें कि इस जमीन पर हर एक इंसान की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है, उसके संसाधन है, पर एक इंसान के भी लालच को पूरा करने के लिए इस जमीन पर संसाधन नहीं है। वो संकट, वो क्राइसिस आज दुनिया भर के सामने, इसलिए हिंद स्वराज को नए नजरिए से, नए जोश से, नए विवेक के साथ अब दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है, उसके अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, औरों में हो रहे हैं। और यहां आने के पहले मुझे मेरे मेघालय के मित्र, खासी भाषा वाले मित्र ने कहा कि जो काम आप करने गुजरात में जा रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, और मैं हिंद स्वराज का खासी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर रहा हूं। कौन सी भाषा मैंने बोली? खासी, कभी सुना नाम आपने? नहीं। आप कहेंगे पता नहीं कहां की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, हमारे मुल्क की, जिसमें हिंद स्वराज का अनुवाद होगा। इसलिए अब हम सतर्क हो जाए। जब एनसीईआरटी में हमारी जो काम और शिक्षा वाली रिपोर्ट थी उसको नकारा जा रहा था, प्रोफेसर यशपाल अध्यक्षता कर रहे थे, उसको नकारा जा रहा था, तो हम लोग बहुत देर खूब लिख रहे थे और बोल रहे थे। जब उसकी लड़ाई जब तीखी हो गई, थोड़ी कड़वी भी हो गई, तो एक बड़े शिक्षाविद ने कहा कि आप बार बार गांधी जी की नई तालीम की बात करते हैं, इसके नए मॉडल की बात करते हैं जो आप लोगों ने बनाया है,
पर गांधी जी के सामने तो हम बौने हैं, अंग्रेजी में बोलते थे वी आर पिग्मीज बिफोर गांधी। उनका नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत मशहूर आदमी है। तो मैंने कहा हां उनके सामने तो हम बौने हैं, वी आर पिग्मीज, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे पास जो सौभाग्य है नई तालीम की बात करने का, वो गांधी जी के पास नहीं था। उस समय दुनिया के सामने वो संकट नहीं था, आज दुनिया के सामने 2005 की बात बता रहा हूं। इसलिए अब सुनहरा मौका है नई तालीम की बात ताजे नजरिए से, नए जोश से, नए बुद्धिमत्ता से शुरू करने का। पुरानी बात को नहीं दोहराएंगे, पुरानी परिपाटी की नई तालीम की बात नहीं कर रहे, नई की बात कर रहे, नई तालीम की नई बात करने का इससे बेहतर मौका नहीं था। तो यह बात सही है, अंबेडकर जी के दिमाग में जो मॉडल था, संविधान में लिखा हुआ है, वो औद्योगिकरण और शहरीकरण का मॉडल था। कि उनको विश्वास था कि गांव में वो न्याय, वो बराबरी संभव ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। और गांधी जी को बार बार चुनौती देते रहे बड़ी इज्जत के साथ, आप जो बात कह रहे हैं वो बात तो बड़ी क्रांति की है लेकिन वो मुमकिन नहीं है, वो काल्पनिक है। जब तक समाज का ये ताना बाना रहेगा, दलित के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न चलता रहेगा, वो गलत भी नहीं निकले ना। समाज का वो ताना बाना जिंदा रहा, आज भी जिंदा है, दलित और आदिवासियों के खिलाफ और अति पिछड़ों के साथ वो भेदभाव चालू है जो 1947 में भी चालू था। और कुछ लोग तो मानते हैं साम्राज्यवाद के तहत और बढ़ गया है, मैं अब आ रहा हूं इस बात पे। तो ये मतभेद और दो दृष्टियां हैं, पर हमको उन दोनों दृष्टियों में जो समानता है उसको देखकर आगे बढ़ना है कि अब हम क्या करें शिक्षा के क्षेत्र में, जहां पर शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो की बात भी हो, वो वाली बात भी हो कि जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है वो आयातित है, और बारडोली के किसान सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अब हम अपने विद्यार्थियों को, युवाओं को तैयार नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही है उड़ीसा में पॉस्को कंपनी के खिलाफ भारी आंदोलन चल रहा है 5 साल से, टाटा की कंपनियों के खिलाफ चल रहा है, अंबानी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन महाराष्ट्र में चला कि उस सेस को निपटा देना पड़ा, वो चल नहीं पाया, बंद हो गया मामला। देश भर में इस समय आदिवासियों और दलितों के आंदोलन चल रहे हैं, पिछड़ों के आंदोलन चल रहे हैं, अपने जल, जंगल, जमीन, नदियों को, पानी को बचाने के लिए लड़ाइयां चल रही, रोजगार को बचाने की लड़ाइयां चल रही हैं। उसके लिए क्या हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, युवाओं को तैयार करने वाली शिक्षा स्थापित कर पाएंगे, इस प्रश्न के साथ कल से बात होगी। मॉडल अंबेडकर के और गांधी के बीच में अंतर है, दोनों के बीच में इस अंतरों को स्वीकारना पड़ेगा। अंबेडकर का मॉडल भी अधूरे ढंग से आगे बढ़ा, उस संविधान में जो लिखा था उसको बात को नहीं माना गया। अगर 10 साल के भीतर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा मिल जाती तो अगला एजेंडा होता कि 18 साल की उम्र तक के बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा अगले 10 साल में दे दी जाए 1970 तक, तो ये शिक्षा अधिकार कानून जैसा ढोंग करने का मौका ही नहीं रहता हिंदुस्तान के पास, जो अब ढोंग हो रहा है। ये बात कब की निपट चुकी होती, ये ढोंग करने का भी मौका राजनीतिकों को नहीं मिलता जो आज हो रहा है। ये ढोंग करने का मौका इसलिए मिला कि हमने अंबेडकर की दृष्टि को नकारा। इस पर और बात करेंगे बाद में। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई शायद भरत जी ने भी उठाई और शायद सुदर्शन भाई ने भी उठाई कि साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के तहत, जिसको हम नव उदारवाद की नीतियां मानते हैं, उसके तहत ये जो भेदभाव और उत्पीड़न है क्या और बढ़ जाता है? बिल्कुल और बढ़ जाता है, हर हालत में बढ़ता है, क्योंकि ये जो उत्पीड़न भेदभाव है ये तो भारत की सामाजिक संरचना के तहत होता है। बट उस सामाजिक संरचना में के ऊपर जब साम्राज्यवाद लागू हावी हो जाता है तो उसके शोषण के तरीके नए होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। वही आदिवासी क्षेत्र उड़ीसा का, जहां पे गरीब आदिवासी थे, शोषित थे हमेशा ही, जब वहां पॉस्को कंपनी आती है दक्षिण कोरिया की, 55,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए उसको उड़ीसा सरकार हरी झंडी देती है, केंद्रीय सरकार हरी झंडी देती है, सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी देता है कि जाओ लूटो, खसोड़ो, जल जंगल नष्ट करो, लोगों के गांव लूट लो, उनको बेघरबार कर दो, बेजमीन कर दो। तो जो शोषण हजारों साल से चल रहा था वो कई गुना बढ़ जाता है साम्राज्यवादी नीतियों के तहत। अंत में साम्राज्यवादी ताकतें भी उस भारत के दलाल तबके का उपयोग करती हैं अपने पक्ष में, जो तथाकथित पढ़ा लिखा तबका है वही तो उनके लिए प्लानिंग करता है। वो गोरे चमड़ी वाले लोग प्लानिंग नहीं करते उनकी, हमारे काली चमड़े वाले लोग उनकी प्लानिंग करते हैं। जैसे मैकॉले ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बाबू तैयार करो, अब हम लोग पॉस्को कंपनी, टाटा कंपनी, अंबानी की सेज, इनके लिए अब दुनिया भर के कॉर्पोरेट घरानों के लिए बाबू तैयार करते हैं।
जो नहीं बनते बाबू उनका शोषण होता है। इस बात को तो समझना होगा। मुझे बता दिया समय हो गया है। एक आखिरी बात सुरेश ने वर्की कि ग्रंथालयों में पढ़ने की जगह गांव गांव जाए तो क्या बेहतर होगा। देखो भाई मैं आज बोल दूं आगे और आपके सामने रखूंगा इस बात को बार बार। ये जो सवाल है ये एक भ्रांति से निकला है। वो भ्रांति ये है या तो हम सिद्धांत बनाएंगे या गांव में सक्रिय काम करेंगे, और जैसे दो अलग चीजें हैं। अरे इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए तो गांधी ने ये बात उठाई कि ज्ञान प्राप्त करने का काम उत्पादक काम से होना चाहिए और समाज में जाकर गांव में काम करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान तो प्राप्त करना होगा, और जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सैद्धांतिकरण भी होगा, सिद्धांत भी बनेंगे, थ्योराइजेशन भी होगा, और जब थ्योराइजेशन होगा तो गांव में जाके और बेहतर काम होगा। दुनिया भर में कभी भी सामाजिक बदलाव का काम, क्रांतिकारी परिवर्तन का काम बिना थ्योरी के नहीं हुआ, और कोई भी अच्छी थ्योरी ऐसी नहीं थी जिसने गांव में और समाज में बेहतर काम करने का रास्ता ना खोला हो। नहीं खोला तो अच्छी थ्योरी नहीं है, वो भोंडी थ्योरी है, फालतू की थ्योरी। थ्योरी वही सी ठीक है जो समाज में सुधार का, समाज में बदलाव का और समाज के आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करती है। अगर वो नहीं करती है तो थ्योरी फालतू की है। ये बात हर एक वाद पे लागू होती है, कोई भी वाद हो, इधर का हो मेरे बाएं हाथ का या इधर का हो दक्षिण का, हर वाद पे या बीच का हो, हर वाद पे लागू होती है। अगर वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो ज्ञान दुनिया के कल्याण के लिए नहीं है, आम आदमी के कल्याण के लिए नहीं है, तो हमारा सिद्धांत नहीं है, पता नहीं किसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत तो बनेगा, और बिना सिद्धांतिकरण के ज्ञान आगे नहीं बढ़ता, और सिद्धांत को बिना गांव में जमीन पर, शहर में जमीन पर, वहां भी गरीब लोग रहते हैं, जमीन पर उतारे बगैर वो सिद्धांत खुद आगे नहीं बढ़ सकता, और बिना जमीन पर उतारे कोई मतलब नहीं रह जाता उस सिद्धांत का। दोनों ओर के आपस में एक रिश्ता है। एक मैं टेक्निकल टर्म, तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जमीन पर काम और ज्ञान का निर्माण, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। वो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी रिश्ता है, वो एक डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का रिश्ता है। इस पर और बात करने को मैं तैयार हूं, अभी इतना कहना काफी है आपको। कम से कम मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी चूटी मार दी ताकि आप मुझसे आके और लड़ाई लड़े इसके ऊपर कि कैसी बात आपने कर दी। मैं बहुत जमाने तक लिखता नहीं था, 22 साल गांव में काम किया ना, शायद 6 पेज लिखे होंगे, ज्योति भाई गवाह है हमारे पे नजर रखते थे, 22 साल में 6 पेज लिखे। क्यों, हमने कभी माना ही नहीं कि लिखने का महत्व है। मेरा हम तो गांव में काम कर रहे हैं बस, ये काफी है। अब समझ में आया, अगर हमने वो सब लिख दिया होता तो आज की दुनिया से जूझने के बहुत सारे रास्ते हमने खोज लिए थे, कभी लिखा ही नहीं उसको। अब लौट लौट के लिखने की कोशिश करते हैं, पर बात बहुत पुरानी हो चुकी है। उस समय लिखा होता तो उसका एक समकालीन कंटेम्परेरी महत्व था, जो नहीं किया हम लोगों ने। तो दोनों कामों का महत्व है। कल मिलेंगे, धन्यवाद।